अब आ जाए लॉ ठीक फर्स्ट यूनिट, उसमें पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बिजनेस लॉ में टॉपिक वन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले बिजनेस एंड बिजनेस का सॉरी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसको डिस्कस करना है। इसको इन्हें समझना इम्पोर्टेंट है, जो रीड करना है इससे ज्यादा समझना इम्पोर्टेंट है, राइट। अब देखो नेचर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बाकी सारे ब्रांचेस से अलग है। वो राइट्स और ड्यूटीज डज नॉट ले डाउन अ नंबर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज विच में विद द लॉ विल इन्फोर्स, जो लॉ इन्फोर्स करेगा ऐसे राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर, ऑन द कॉन्ट्ररी वो तो उल्टा लिमिटेशन इम्पोज करता है। वो क्या करेगा, उसके ऊपर लिमिटेशंस रखेगा। अब इसका मतलब कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं बताता कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से आप कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे, लेकिन उल्टा ये बता रहा है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में ज्यादा बता रहा है, बराबर। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सेंस मेक द लॉ देमसेल्व्स। द टर्म मर्केंटाइल लॉ इज यूज टू डिनोट द ब्रांच ऑफ लॉ, दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच इज कंसर्न विद मर्केंटाइल ट्रांजेक्शंस। मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशंस साथ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन से आते हैं ना, बिटवीन मर्केंटाइल पीपल, उसके साथ में कनेक्टेड है। अ मर्केंटाइल पर्सन मे बी अ सिंगल इंडिविजुअल, पार्टनरशिप भी हो सकती है या तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी। अ मर्केंटाइल लॉ इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द एग्रीगेट बॉडी ऑफ दोज लीगल रूल्स विच आर कनेक्टेड विद ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मर्केंटाइल का मतलब जो ट्रेड करने के लिए लॉ यूज किया जाता है वो मर्केंटाइल लॉ है, ट्रेड करने के लिए जो यूज किया जाता है वो मर्केंटाइल लॉ। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ। अब अपने ने ये जो आगे का जो लिखा है ने वो सब अपने एग्जाम में लिखना नहीं है, अपने सीधे डेफिनेशन से स्टार्ट करना है इसको, बराबर ने। अब हम डेफिनेशन से बात करें तो डेफिनेशन में सेक्शन 2H के अंदर ये बताया गया, लेकिन उसके पहले अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच द लॉ विल एनफोर्स, यानी इसमें तीन बातें तुम्हारे सामने आती है। पहले तो ये एक एग्रीमेंट है, दूसरा बिटवीन टू और मोर पार्टीज के बीच में, और तीसरा लॉ इसको एनफोर्स करता है, मतलब कानून जो है ना वो इसको पालने के लिए आप पे फोर्स करेगा। अगर तुमने एक बार एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट को मानने के लिए आपको कानून मानना पड़ेगा, पहले कानून की सब पोजिशंस को माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2H के अंदर बताया गया है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये जो डेफिनेशन है वो पोलक की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। अब यहाँ तो एग्रीमेंट भी लिखा है प्रॉमिस भी लिखा है, एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझ हुआ। अब विलियम एंसन, उसकी डेफिनेशन क्या, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय विच राइट्स आर अक्वायर्ड बाई वन, यानी एक को हक मिलता है, अक्वायर्ड यानी एक को हक मिलता है और मोर एक या तो एक से ज्यादा। टू एक्ट, किस बारे में हक मिलता है कि जिससे वो किसी चीज के ऊपर एक्ट कर पाए, एक्ट यानी वो कोई काम कर पाए, और फोरबेरेंस है तो ना कर पाए, दोनों चीजें। जो फोरबेरेंस है ना उसको दूसरे वर्ड में क्या बताया जाता है, एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑन द पार्ट ऑफ द अदर्स, यानी दूसरों को ध्यान देना। मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने उसको ऐसा बोला कि मेरे लिए ये काम करके दे, कोई लीगल काम मैंने उसको सौंपा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये काम करके दे इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्ट हो गया। लेकिन मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि ये काम नहीं करना है तुझे, उसके लिए मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ, तो वो फॉरबेरेंस हो गया, बराबर ने। अकॉर्डिंग टू सालमन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। तो पहले तो क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन मतलब जवाबदारियां कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारे सामने आती है। दस दीज डेफिनेशंस इंडिकेट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स, पहला तो एग्रीमेंट है और दूसरा इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, नाउ एन एग्रीमेंट।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. सो वी कैन से दैट एन एग्रीमेंट मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. अब पहले एग्रीमेंट समझना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले. तो इसमें बताया गया कि एग्रीमेंट का मतलब कोई भी प्रॉमिस या तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस यानी प्रॉमिसेस का ग्रुप. पर याद रखो इसमें एक वर्ड लिखा है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब कुछ ना कुछ लेन देन होनी चाहिए उसके अंदर, बराबर है. वी कैन से दैट एन एग्रीमेंट मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. दस व्हेन टू और मोर पर्सन्स प्रॉमिस ईच अदर टू डू समथिंग एन एग्रीमेंट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस. तो एग्रीमेंट कब आता है? जब दोनों इंसान एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई चीज करना या तो ना करने इसको प्रॉमिस करते हैं और उसके सामने रिटर्न में कोई ना कोई चीज दोनों को मिलती हो. अब सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया. अब प्रॉमिस इज डिफाइंड एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट. असेंट यानी अपनी मर्जी बताना. दैट टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया इसका मतलब. अब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है. तो पहले तो कहां से शुरुआत की? पहले एग्रीमेंट समझा, उसके बाद में प्रॉमिस के बारे में समझा. अब इन अदर वर्ड्स व्हेन वन पर्सन मेक्स अ प्रपोजल, सुनो ध्यान से, मैं किसी को कोई काम करने का पहले प्रपोजल देता हूँ या तो ऑफर देता हूँ टू अनदर फॉर गेटिंग हिज असेंट. पर उसके सामने मेरा मकसद ये है, ऐसा खाली ऐसे बोल नहीं देना, खाली ऐसे ही बोल नहीं देना, बराबर. मैं किसी को बोलता हूँ ये मेरा स्कूटर मेरे को बेचना है, पर मन में तो ऐसा कि ना बिके तो ज्यादा अच्छा, समझे कि नहीं. तो ये कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, कोई ऑफर नहीं हुई. ऑफर किसके अंदर? मर्जी में सामने वाले की चाहता हूँ इसलिए. आज एग्जैक्टली सेम चीज हुई, मैंने एक स्टूडेंट को ऐसा वाला लैपटॉप बेचना है, पर बेचना ही नहीं, खाली ऐसे ही बोला. वो बोल रहा था कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए, मैं बोला मेरा ले जा. तो कहीं मैंने ऑफर नहीं की है, क्योंकि ऑफर का मतलब तो मैं जानता हूँ कि उसका असेंट यानी उसकी मर्जी मेरे सामने होनी चाहिए, बट मेरे सामने वो तो मैंने रखा ही नहीं है, ये तो खाली ऐसे ही बोल गया. तो ये ऑफर नहीं हुई. एंड अनदर पर्सन एक्सेप्ट इट इट बिकम्स अ प्रॉमिस. जब तक वो सामने वाला एक्सेप्ट ना करें तब तक प्रॉमिस नहीं. दस अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस. व्हेन सच प्रॉमिसेस आर एक्सचेंज बाय पार्टीज इट बिकम्स एन एग्रीमेंट. बराबर. अब दोनों पार्टी एक्सचेंज कर दिए सामने सामने तो वो एग्रीमेंट बन गया. पहला प्रपोजल है, उसका एक्सेप्टेंस क्या हो गया? प्रॉमिस. अब दोनों एक्सेप्टेंस के साथ में उसके बाद में सब जो भी हो गया वो कंप्लीट क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया. अब कंसेंसस एडिडम यानी मीटिंग ऑफ द माइंड. मैंने जो बोला वही तुमको चाहिए. मैंने बोला मेरा लैपटॉप ले जा, अब चलो सही में बोला तो मैंने ये वाला नहीं वो वाला लैपटॉप बोला हो, बात समझे. पर वो ये समझ रहा हो कि 15 में ये ले जाऊं कितना अच्छा. द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली कंसेंशुअल इन नेचर. कंसेंशुअल यानी पारस्परिक सामसामे. एग्रीमेंट दैट इज बिफोर देयर कैन बी एनी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज देयर मस्ट बी कंसेंसस एडिडम. दिस मीन्स दैट बोथ द पार्टीज मस्ट हैव आइडेंटिटी ऑफ देयर माइंड. यानी मतलब दोनों का मकसद एक होना चाहिए, दोनों का दिमाग एक तरह से चलना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे लिखा एग्जैक्टली जो मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे. ए के पास कार है, वो बी को पूछ रहा है कि आप मेरी कार 10,000 में खरीद लोगे? बी यस बोलता है, तो ये कंसेंसस एडिडम हो गया और यह एग्रीमेंट आ गया. अब एक्स के पास दो स्कूटर है, एक बजाज एक हीरो. एक्स ने सोचा कि हीरो स्कूटर बेच देता हूँ वाई को, लेकिन वाई समझता है कि वो बजाज स्कूटर की बात कर रहा है. तो यहाँ कंसेंसस एरिडम नहीं हुआ. सिंपल बराबर, क्योंकि जो बोल रहा था सामने वाला उससे कुछ बलता ही तुमने सोचा है, दैट्स वाई यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता. यह पहला हुआ. एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. कुछ चीजें ऐसी है ना जो लीगली बाइंडिंग होती है, अगर तुम उसमें झुठला दो ना अपने आप को तो उसके सामने कानूनी कार्यवाही की जा सकती है. तो वही खाली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई भी सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. अब सवाल यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट यानी दो चीजें, एक तो एग्रीमेंट तो है जो आगे अपने सीख लिया और उसका एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी है. एन एग्रीमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म. उसमें सोशल एग्रीमेंट भी आ गया और रिलीजियस एग्रीमेंट भी आ गया, पॉलिटिकल एग्रीमेंट भी, पर्सनल एग्रीमेंट भी, एक्सेट्रा. बराबर. कोई समझो कि मौलवी रस्ते में मिले हमको, बोले कल सुबह तू नमाज में दिखना चाहिए, तूने बोल दिया हाँ मैं दिखूंगा, मैं 100 100 टका आऊंगा. दूसरे दिन सुबह तू सो गया, तो मौलवी तेरे पे केस नहीं करेगा कि ये सो गया देखो. पर ये रिलीजियस एग्रीमेंट हुआ, ये कैसा एग्रीमेंट हुआ? रिलीजियस एग्रीमेंट. सोशल एग्रीमेंट बराबर, अभी जैनब की शादी है,
जैन आपने बोला सर खाना खाने के लिए मैं नहीं गया, तो ये सोशल एग्रीमेंट, मैंने हाँ बोला फिर भी नहीं गया, तो जो ना केस ना करे कि मेरे 150 रुपये की थाली बिगाड़ दी इन्होंने, बराबर ना, ये नहीं हो सकता। तो ओनली दोज एग्रीमेंट दैट आर एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, जो कानून से अपने जिसको फोर्स करा सकते हो, सामने वाले को पता है कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद में केस होगा। तो ए इनवाइट्स बी, जैसे मैंने बताया कि बोलता है कि मेरे घर पे रहो 1 वीक के लिए, बी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, लेकिन ए उसको ना बोल देता है यार मेरी बीवी मर गई है 1 दिन पहले, तो उसके बाद में ऐसा थोड़ा बोलेगा कि लाओ मुझे पैसे दो, मेरे को दूसरी जगह पर रहना पड़ेगा, तुमने बुलाया मेरे को ना बोल दिया, ऐसा तो नहीं होता ने। इसी तरह से ए अ फादर प्रोमिसेस टू पे हिज सन ₹200 एवरी मंथ एज पॉकेट अलाउंस, बाद में वो रिफ्यूज कर देता है तो वो नहीं रिकवर कर सकता। लेकिन इसमें रिकवर कर सकते कब, अगर फादर सन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे नहीं, तू पास हो जा, मैं तेरे को होंडा स्कूटर दिलाऊंगा, हीरो स्कूटर दिलाऊंगा, हीरो हीरो स्प्लेंडर दिलाऊंगा, बराबर उसने ऐसा बोला। अब सन ने थोड़ा चालाक है, उसने बोला कि रजिस्टर करके दो मुझे, लखान करके रजिस्टर करके दो। तो अगर उसने ऐसा बोला ने, तो बाद में अगर फादर ऐसा बोलता इजाजत तेरे साथ में तो खाली बोला था ऐसे ही बोल दी, तो ना फिर बेटा है ना बाप पे केस कर सकता है, कब, अगर रजिस्टर कराया हो तो। यानी क्लोज रिलेशनशिप हो ना जहाँ पे, लीनियल रिलेशनशिप या तो जिसको ब्लड रिलेशनशिप बोलते हैं, वहां पे अगर आप एक के साथ दूसरा हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी अगर ऐसा हो कि मैं तुझे 700 रुपये हर महीने दूंगा, तो ये नहीं, ये अगर माने ना हस्बैंड तो इसके बाद में केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाइफ उसको रजिस्टर करवा दे कि तुमने जो बोला उसको लिखान करके दो मेरे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझे ना। सो वी कैन से फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स दैट एन एग्रीमेंट विच डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो एनफोर्सेबल एनफोर्सेबल बाई लॉ नहीं है। दस ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ओनली दोज विच आर एनफोर्सेबल बाई लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स, दस लीगल ऑब्लिगेशन इज मस्ट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। ए एग्रीज टू सेल 5 bags ऑफ व्हीट, यानी लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए 1,000 रुपये, हम बोला ये लीगल ऑब्लिगेशन हो गया। तो अगर ए 5 bag व्हीट की बी को सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद में सामने वाला तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है, समझे। तुम यहाँ पे पूरा पढ़ोगे ना, बीच बीच में केसेस आएंगे, केस देखोगे दो जगह से आते हैं, गुजराती कभी कोर्ट में जाता नहीं है, गुजरात का केस नहीं है एक भी, बराबर ने, वो साउथ इंडियन के या नॉर्थ इंडियन के होंगे, वो बिहार वालों। दस अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक एलिमेंट्स, एक एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। टू कंक्लूड वी कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब यहीं पे साबित हो गया कि जितने भी एग्रीमेंट है ना वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट वही कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन अगर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एसेंशियली शुरुआत में एग्रीमेंट तो होते थे, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, एग्रीमेंट से होती है, और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ बाद में आता है, जबकि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि सारे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सब एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी जरूरी है। इसलिए तुम्हारा स्टेटमेंट यहाँ पे साबित हुआ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, समझ में आया। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 2023 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 22 दिसंबर। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले देखो वो तो आगे आगे, उसके बाद में एसेंशियल्स अपने स्टार्ट करें सीधा। देखो अबे ने सेक्शन 10 में सारी कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ में बताए गए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो वॉइड डिक्लेयर नहीं होता है ना वो सबका सब, इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स, लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस। टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एक पार्टी जो ऑफर करती है और दूसरी पार्टी ऑफर एक्सेप्ट करती है। मैं आईने के सामने खड़ा रह के अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, ले खा और मैं खा लेता हूँ, ये थोड़ा चले, ये नहीं होता। ओनली ऑफर बाई वन पार्टी
एंड ओनली एक्सेप्टेंस बाय वन पार्टी विल नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले वैलिड ऑफर होनी चाहिए, वैलिड ऑफर यानी कानूनी ऑफर होनी चाहिए, बराबर ने, लीगल ऑफर होनी चाहिए। प्रपोजल और ऑफर इज एक्सप्रेस विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मैं आगे भी बता चुका, टू एक्ट और फोरबेरेंस, दोनों चीजें इसमें आती है। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। टर्म्स यानी जो भी शर्तें हैं ना उसकी, वो सब क्या करना चाहिए हमको, सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहिए, सामने वाले को उसको बताना जरूरी है। नाउ ए इज हैविंग अ डिजायर टू परचेज प्रॉपर्टी ऑफ बी, तो ही विल पुट अ प्रपोजल, आई वॉन्ट टू परचेज योर प्रॉपर्टी फॉर ₹20,000, ये प्रपोजल हो गया। यानी प्रपोजल करने के लिए अपने क्या सामने वाले को बताना भी पड़ेगा ना। अलॉन्ग विद दिस एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, इसका मतलब जो मैंने बोला वो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा, वो इसके अंदर बहाने बनाए या कुछ नई चीज ऐड करे तो वो कंडीशनल हो गया, और अगर कंडीशनल हुआ तो वो फिर एग्रीमेंट नहीं है। इफ एनी कंडीशन इज पुट बाय द अदर पार्टी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है कि ए ऑफर करता है बी को कि मैं 25 जुलाई को पोजेशन ले लेता हूँ और मुझे घर खरीदना है तुम्हारा, बी एक्सेप्ट करता है लेकिन उसके बाद में बोलता है मैं तो 1 अगस्त को पोजेशन लूंगा, या कंडीशन रखी, इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, सामने वाले ने बोला मुझे रोकड़े में पैसे चाहिए, तुम चेक लेके जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट खारिज, बराबर ना, वो कैश मांगे तो उनको कैश देना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर रिप्लाई बाय वायर, वायर यानी मतलब तार करो, वो तार आता था ना पहले करते थे, तार टपाल अपने लिखते थे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसको टेलीग्राम बोला जाता था। वायर करना इसका मतलब मुझे इन्फॉर्म करना जरा जल्दी हो सके, उस तरह से इसको वायर कर बोलते थे। बी सेंस रिप्लाई बाय पोस्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ ए इन्फॉर्म्स दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब। कई बार ऐसा होता है इनके सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता, चलेगा चलो कोई ना कोई तरह से तो उसने बोला, बात खत्म। तो इसका मतलब अभी कई सामने वाले पर रोकड़े देते हो तो ये डिस्काउंट मिलेगा, तो तुम ऐसा बोलो कि मैं चेक लेके गया मुझे डिस्काउंट दो, तो ना बोले, सामने वाला मना कर सकता है, लेकिन अगर उसको ऐसा कि लाने ग्राहक कहाँ है ले लेता हूँ, तो फिर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बराबर ना। द मोमेंट देर इज एन एक्सेप्टेंस द सेम मोमेंट देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम। कई बार ऐसा होता है कि ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट, ऐसा लिखा होता है एडवर्टाइज में, लिखा होता है कि तब तक ऑफर चलेगी जब तक स्टॉक हमारे पास रहेगा। मैंने ऑफर पढ़ी, मैंने 15 दिन 20 दिन के बाद में वहां पे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए गया, अब सामने वाला लगता है उसको कि ऑफर चालू रखनी है तो हाँ बोलेगा, वरना ना भी बोल दे, फिर तुम लड़ नहीं सकते क्या, अरे तुमने लिखा था ऑफर लास्ट जब तक, तुमने तारीख कहाँ लिखी थी, दो मुझे चीज, ऐसा नहीं बोल सकते। तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस जरूरी है। अब केस देखो, मिसिस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892। एक्चुअली इन्फ्लुएंजा जो होता है ना उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि कंपनी ने एडवर्टाइज किया न्यूज़पेपर के अंदर कि आपको 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप स्मोक बॉल यानी पानी में डालने की, उसके बाद में धुआं जैसा निकलता है वो घुल जाता है उसके अंदर, तो इसमें सारे जम्स मर जाते हैं। तो इसको बोला गया कि अगर तुम ये स्मोक बॉल को हाँ कंज्यूम करोगे जिस तरह से हमने लिखा है वैसा, जिस तरह से हमने, तो आपको फ्लू नहीं होगा यानी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। वन, मिसेस कालिल यूज द स्मोक बॉल्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, पर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, यहाँ पे उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि उसने जैसा बोला था वैसा किया, कुछ अलग नहीं किया, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हुआ, तो क्या हो गया उसके लिए, यहाँ पे उसके लिए हम मान सकते हैं कि इसके लिए ऑफर एक्सेप्ट कर ली गई थी और ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद में उसके साथ धोखा हुआ, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस कर सकती है। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये देखो याद रहे तो ठीक है, केस जो है ना वो याद रहे तो ठीक है, बराबर ना। इंटेंशन क्या होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, व्हेन द टू पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दे मस्ट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, इफ देर इज नो सच इंटेंशन देर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। जो सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। जैसे मैंने बोला अभी आगे तुमको बोला था कि फादर अगर अपने सन को बोलता है कि 200 रुपये में हर महीने पॉकेट मनी तुमको दूंगा, बाद में वो मना कर देता है,
तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर कभी भी फादर सन के बीच में कोई केस नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि यहाँ पे कभी भी लीगल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की गई। जब बाल्फर वर्सेस बाल्फर, हस्बैंड और वाइफ का केस है, मस्त केस है। देखो, मिस्टर बाल्फर एंड मिसिस बाल्फर वेंट टू लंदन ड्यूरिंग अ वेकेशन। वाइफ बीमार हो गई वहां पे और उसने उसको एडवाइस दिया गया कि तुम लंदन छोड़ के मत जाना, नहीं तुम्हारी बीमारी और खराब हो सकती है, तो लंदन में रह जाती हो। वेकेशन खत्म हो गया तो मिस्टर बार्फल तो वापिस आ गए। उसने प्रॉमिस किया कि हर महीने में 30 पाउंड तुझे भेजता रहूंगा जब तक तू लंदन में रहेगी। शी वॉज ऑल राइट बट विश टू स्टे इन लंदन ओनली। वो अच्छी हो गई लेकिन फिर भी उसको लगता है मैं लंदन में रहूंगी। मीन टाइम हस्बैंड वहां पे पैसे देना बंद कर देता है, तो वो कोर्ट में जाती है लेकिन कोर्ट ने डिसअलाउ किया क्योंकि डोमेस्टिक एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में, समझे ने? तो डोमेस्टिक एलिमेंट के एग्रीमेंट के अंदर कभी भी क्या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स अपने कंप्लीट नहीं होते हैं। फिर थर्ड में लिखा गया है लॉफुल कंसिडरेशन। टू मेक एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन मस्त चीज है, मीन्स एन एडवांटेज और बेनिफिट मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जो कंसिडरेशन मूव करता है, मतलब बेनिफिट मूव करता है, वो इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कुछ ना कुछ सामने से मिलना चाहिए। द एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल ओनली वेन बोथ द पार्टीज गिव समथिंग एंड गेट समथिंग इन रिटर्न। इट मीन्स अ प्रॉमिस टू डू थम समथिंग गेटिंग नथिंग इन रिटर्न इज यूजली नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जैसे कि मैं किसी को ऐसा बोलता हूं कि एक मिनट, फादर प्रॉमिस सन टू गेट अ स्कूटर इफ ही स्कोर 65% मार्क इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन। यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं है, यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं है, खाली खाली प्रॉमिस है अंदर अंदर का, बराबर? डोमेस्टिक प्रॉमिस बोलते हो इसको। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस इज कंसिडरेशन फॉर गुड्स एंड गुड्स आर कंसिडरेशन फॉर प्राइस। जब भी सेल करते हैं, कोई भी चीज का सेल होता है तो नॉर्मली क्या होता है, मैंने कोई चीज बेची उसके सामने मैंने कीमत ले ली। कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन कैश और काइंड, इट मे बी अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोई चीज, कोई काम करने की प्रॉमिस हो सकती है और कोई काम ना करने की प्रॉमिस भी हो सकती है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पर एक्सेप्शन है उसके, वो बाद में देखेंगे। कुछ जगह पे कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो जाता है, पर वो बाद में। पहले अब यहाँ देखो फोर्थ वाला, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी पार्टी कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर एंटर होने के लिए वो पार्टी कैपेबल होनी चाहिए। इट मींस दैट दे मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। उनको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट से उनको क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज मेजर, 18 साल से ऊपर की एज का हुआ, साउंड माइंड यानी पागल नहीं है, बराबर? तीसरा, डिसक्वालिफाइड नहीं है। डिसक्वालिफाइड कब होता है? जैसे अभी राहुल गांधी 2 साल से ऊपर की उसके ऊपर सजा हो गई तो इसका मतलब वो डिसक्वालिफाइड हो गया वहां से। ऐसे ही कई सारे जगह पे ऐसा लिखा है कि 5 साल से ज्यादा का कन्विक्शन अगर किसी को होता है, 5 साल, 60 साल से ज्यादा का कन्विक्शन अगर किसी को होता है, यानी कोर्ट में से अगर आपको 60 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसके बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जिसके जगह कोई ऐसा इंसान के जो जेल के अंदर है, वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक कर सकता है जब तक उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन जैसे वो केस हार गया और जेल की सजा हो गई तो उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी अपवाद उसके अंदर भी है। इफ ही डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द अबव मेंशन कंडीशंस ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? तो माइनर, इडियट, ल्यूनेटिक यानी पागल, ड्रंकर्ड, पिया हुआ इंसान। पिया हुआ इंसान कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? जब वो पिया हुआ है, बराबर ना? क्योंकि वो नशे में है, उसको भान नहीं है क्या बोल रहा है वो, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट वो लोग है कि जिनके जिनकी असेट उनकी लायबिलिटी से बहुत कम थी और कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया इनसॉल्वेंट, उसकी सारी असेट को बेचने के बाद उसकी लायबिलिटी को पे भी कर दिया।
अब फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इट इज कंसेंट यानी उसकी मर्जी है ना, फ्री होनी चाहिए, कोई दबाव के अंदर नहीं होनी चाहिए, और जेन्युइन, इट इज असेंशियल फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर मस्ट बी अ फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन ऑल द पार्टीज हैव आइडेंटिटी ऑफ माइंड और दे आर ऑफ द सेम माइंड। तो जब उनके माइंड मिलना, इसका मतलब ये हुआ आइडेंटिटी यानी दोनों की सोच मिलना, बराबर है। और ये कैसे होनी चाहिए, देखो कंसेंट कब फ्री नहीं होता, अगर वो कोर्शन यानी जबरदस्ती से लिया गया हो, किसी के कान पे बंदूक रख के बोलू साइन कर साले, तो ये कोर्शन हुआ, बराबर। उसके बाद में अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कोई वकील है वो अपने क्लाइंट को ऐसे बोलता है कि नहीं यहाँ साइन नहीं करोगे तो तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी, तो बेचारा साइन कर देता है, बाद में उसकी सारी प्रॉपर्टी वो ले जाता है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, बराबर। उसके बाद में फ्रॉड, किसी को धोखे से कोई चीज के अंदर मनवा लेना, और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत तरीके से पेश करके उसके सामने अपने केस को, अपने क्या करे उसके बाद मनवा ले। ए फोर्सेस बी टू साइन एन एग्रीमेंट टू सेल हिज कार फॉर ₹5,000 बाय शोइंग नाइफ, छुरी दिखा के बोलता है अभी कभी मुझे गाड़ी बेच दे, तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड नहीं है, बराबर नहीं। फिर आता है उसके बाद में लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, इन अदर वर्ड इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल मतलब गैर कानूनी, तो गुजरात में ऐसा बोले मैं असीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ, चल असीर दारू बेचते हैं, इलीगल है, गुजरात में इलीगल है, बराबर ना। फिर इमोरल का मतलब क्या, इमोरल यानी मैं ऐसा बोलूँ कि असीर एक काम करते अपने, वो फलाने की वाइफ है उसको भगा ले जाते हैं, ये इमोरल है, बराबर। और दूसरा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा ही किसी को इमोरल में दूसरा क्या, मैं ऐसा बोलूँ जुआ खेलने के लिए अपने दोनों ही ने जुआ खेलने जाते हैं, जो ज्यादा जीतेगा वो रकम दोनों के बीच में बांट देंगे अपने, बराबर ने। इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर, गलत, ये इमोरल है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, किसी का खून कर लेने का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब वो तो इलीगल में भी आ जाता है। अब एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ इन फोर्स इन द कंट्री, कोई कानून उसको है ना मना नहीं करना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम नहीं कर सकते। जैसे एग्रीमेंट विद माइनर, किसी बच्चे के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया वॉइड है, इसी तरह से एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, पैसे के लेन देन के बिना कोई भी अगर एग्रीमेंट किया वो भी वॉइड है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल है, चांद पे घर बना दूं तेरे को, इम्पॉसिबल अभी लग रहा है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और मैरिज, किसी को बोले कि फलाने के साथ में भाई जहीम तू शादी मत कर, तो अगर शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को ₹5 लाख दूंगा, तू 5 लाख भी ले जाए और शादी भी कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझे ना, क्योंकि किसी को मैरिज करने से रोका नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से बिजनेस करने से भी नहीं रोक सकते अपने, बराबर ने। पर ये सबके एक्सेप्शन है, मैरिज का कोई नहीं है, पर ट्रेड को रोकने के एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने तुझे बहुत भारी रकम दी है, तू पार्टनरशिप में से अलग हुई, और पार्टनरशिप में से अलग होने के बाद कुछ साल तक मैं तुझे रोक सकता हूँ सेम बिजनेस करने से, बराबर ने। किसी को अगर पार्टनरशिप में से हमने छुट्टा किया ना, तो वो इंसान सेम बिजनेस नहीं कर सकता जो बिजनेस पार्टनरशिप पहले चलाती थी कुछ साल तक, फिर बाद में वो कर सकता है, कुछ एरियाज के अंदर वो बिजनेस नहीं कर सकता, एरिया को छोड़ के कर सकता है, ये सब अपने कर सकते हैं, पर लिमिटेड है ये। फिर सर्टेनिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट परफेक्ट, उसको पता होना चाहिए कि ये परफॉर्म किया जा सकता है। इट मीन्स दैट इट शुड नॉट बी वेग, वेग यानी अनक्लियर और इनडेफिनेट, इफ द टर्म्स आर वेग और अनसर्टेन वी कैन नॉट असर्टेन डेफिनेट मीनिंग एंड सो इट कैन नॉट बी एनफोर्स, अगर उसकी कंडीशन बराबर नहीं हुई ने, उसकी शर्तें बराबर नहीं हुई तो हम समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, ए प्रोमिस इज टू बाई अनदर हॉर्स फ्रॉम द सेलर, इफ द हॉर्स प्रूव्स लकी, अब लकी का मतलब क्या,
2 लाख जीते तो लकी के 5 लाख जीते तो लकी, मतलब क्या इसका? तो ये वेग हो गई कंडीशन। ये द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर वेग, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल। वो एग्रीड टू परचेज अ मोटर वैन फ्रॉम एस ऑन हायर परचेज टर्म्स हेल्ड, देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट इज द टर्म्स वर नॉट सर्टेन। इन अदर वर्ड्स देर वॉज नो प्रिसाइज मीनिंग ऑफ हायर परचेज, यानी हायर परचेज का मतलब क्या, कितने परसेंटेज की लोन, कितना ब्याज होगा, कितने टाइम के लिए, ये कोई कंडीशन इसके अंदर लिखी नहीं गई है, इसलिए ये अपने मान नहीं सकते या मनवा नहीं सकते। अब ए प्रॉमिस इज टू टेक हिम टू मून, देखो पॉसिबल है नहीं है, ये चांद पे ले जाऊंगा आज पॉसिबल हो गया है, अभी ये एग्जाम्पल मत लिखना, हम तो मोदी जी मारेंगे। एज दिस इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, इट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए एग्रीज विद बी टू पुट लाइफ इन टू इज डेड वाइफ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, सो द एग्रीमेंट इज वॉइड। किसी की मुर्दा बीवी के अंदर जान फूंक देना, ऐसा बोले ला 5 लाख कभी कभी 2 मिनट में चलती कर दू इसको। फिर फॉर्मेलिटीज, हाउएवर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग फॉर रिटन कॉन्ट्रैक्ट द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कि राइटिंग में होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, मस्ट बी ऑब्जर्व, और साथ में लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, राइट। इसके बाद में टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए। पहला देखो, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर देयर वैलिडिटी, फिर फॉर्मेशन, फिर परफॉर्मेंस, तीन अलग अलग चीजें। तो पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसको एनफोर्सेबल बनाने के लिए एसेंशियल कंडीशन उसकी पूरी करनी जरूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, और अगर इसमें से कोई भी एक या तो एक से ज्यादा कंडीशन अगर मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, या तो इसको वॉइडेबल बोलेंगे, या तो इसको वॉइड बोलेंगे, या इलीगल बोलेंगे, या अनइंफोर्सेबल बोलेंगे। अब इन सब के बारे में अपने समझना है। तो पहले वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट जो बाइंडिंग यानी सबको बंधन करता है, सबको बांधता है, और एनफोर्सेबल यानी कानूनी भी है वो। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द पार्टीज आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यानी सब पार्टीज को ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल कंडीशन पूरी हो जाती है, एंड उसके अंदर कोई टेक्निकल या तो डिफेक्ट नहीं होती, यानी सर्वगुण संपन्न। ये कॉन्ट्रैक्ट सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हो, वो इसमें कोई भी खामी नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री मे अवॉइड और रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही सो डिजायर्स और इलेक्ट टू बी बाउंड बाई इट। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी गुड एंड एनफोर्सेबल टिल इट इज अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो। यानी देखो, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई उसका अपोज नहीं करता। जैसे मैंने समझो कि किसी के कान पे बंदूक रख के उसको बोला कि साइन कर, ये घर तेरा मेरा हो गया, बराबर। अब जब तक वो केस ना करे ना, तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जब तक वो केस ना करे तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बराबर ना। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इन द फॉलोइंग टू केसेस। देखो पहले ऊपर वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ प्रॉमिस ए प्रॉमिस इज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹50,000। द कंसेंट ऑफ ए हैज बीन ऑब्टेन बाय द यूजर यूज ऑफ फोर्स, यानी जबरदस्ती उसका कंसेंट यानी उसकी मर्जी को लिया गया है, राइट। यहाँ पे कंसेंट उसका फ्री नहीं है, ही मे अवॉइड और इलेक्ट टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये दो में से कोई भी एक कर सकता है। अब मुझे किसी ने बोला जमीन के लिए कि तेरी जमीन मेरी हो गई 5 करोड़ में, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे दुनिया भर वाले 4.5 करोड़ दे रही है, 5 करोड़ दे रहा है, तो मैं अपोज क्यों करूँ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, समझे। कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है, जबरदस्ती लिखवा लेना बोलते हैं ना। अब उसमें उसके बाद देखो, व्हेन अ पर्सन प्रॉमिसेस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन बट द अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम टू डू हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन।
कॉन्ट्रैक्ट वेटेबल है, लेकिन किसके ऑप्शन पे? उस इंसान के ऑप्शन पे, जो इंसान ने मना किया ना उस इंसान के ऑप्शन पे। एग्जाम्पल ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी विल पेंट इज हाउस फॉर ₹5,000। बी इज रेडी और वो अपना जॉब परफॉर्म करने के लिए रेडी है, वो आ गया सब सामान लेके आ गया, पर वो गरज नहीं सौंप रहा है उसको। कई बार ऐसा होता है ने कि अपने किसी के कोई को बोल दिया कि कल आके काम कर जाना, लेकिन कल वो घर के अंदर जो चीज मैंने उसको बोली हो कि ये चीज मैं तुझे लाके रखूंगा, वो लाके ना रखू तो फिर उसके बाद में बोल दे कि अब मैं आऊंगा नहीं जाऊँ। अब उसकी मर्जी पे है वो आए या ना आए, समझे ना? तो उसका ऑप्शन है, अपना ऑप्शन नहीं है। इसको वेटेबल याद रखो, कोई भी एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए फ्री है तो इसको वेटेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू सो विद इन द फिक्स टाइम द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वेटेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस। नाउ द नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड यानी जो इलीगल है, अपने इलीगल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसके अंदर कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं होते और कोई ऑब्लिगेशन किसी का भी नहीं बनता, यानी किसी की कोई जवाबदारी जिसके अंदर नहीं बनती, वो वॉइड। इट इज अ नलिटी एंड इज डेस्टिट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट टू ऑल टुगेदर। डेस्टिट्यूट यानी दूर होना। इट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब शुरुआत से गलत, शुरुआत से वो खारिज हो गया है, शुरुआत से तुमने गलत की है। जैसे किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट करना, वो शुरुआत से गलत है, तुम्हारे एग्रीमेंट का बेसज रॉन्ग है, समझे ना? फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में बराबर था, वॉइड एग्रीमेंट में क्या शुरुआत से गलत, वो वॉइड एब इनिशियो होता है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट तक सब बराबर चल रहा है, लेकिन बाद में कुछ होने के कारण या कोई कंडीशन ऐड करने के कारण वो वॉइड हो जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इज वैलिड, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट जिस कंट्री के साथ किया उस कंट्री के साथ में इंडिया की वॉर डिक्लेयर हो गई, अपनी लड़ाई चालू हो गई, तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक वॉर चलती रहेगी ने, तब तक या तो वॉइड हो जाएगा या तो सस्पेंड हो जाएगा, दो में से। वॉर अगर लंबे टाइम तक चलनी चाहिए, वॉर अगर लंबे टाइम तक चलेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। लेकिन अगर लंबे टाइम तक ना चले तो वो सस्पेंड, 1-2 महीने के अंदर खाली ऐसे नहीं लड़ा करते इंडिया पाकिस्तान ऐसा चले तो। इलीगल एग्रीमेंट, एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच इज इमोरल और विच इज क्रिमिनल इन नेचर और विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सच एन एग्रीमेंट इज ए नलिटी। नलिटी का मतलब वो कुछ इफेक्ट नहीं करता किसी के ऊपर भी। दस एन इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। ए बोरोस 5,000 फ्रॉम बी एंड एंटर्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट टू गिव स्मगल गुड्स, स्मगलिंग के गुड्स के लिए, बराबर ना? जैसे कि कुछ इलीगल चीजों के लिए मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, मैं बोलूँ कि तू एक काम कर, ₹5 लाख देता हूँ, उसको मार डाल, ये इलीगल है, बराबर ना? ये एग्रीमेंट है इलीगल है। फिर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वन विच इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट एंड सच एन एब्सेंस ऑफ राइटिंग, जैसे कि राइटिंग का ना होना, बराबर ने? अब एन एनफोर्सेबल का मतलब क्या, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुमसे किया, कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखना जरूरी नहीं है, तो मैंने कर भी लिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है। अब हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, अब झगड़े को लेकर अपने कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने क्या बोला कि पहले प्रूफ लाओ कि तुम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो ये एनफोर्सेबल कैसे हो पाएगा, इसको अमल में रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, बराबर ने? तो इसमें याद रखना कि जब भी ब्रीच होता है, ब्रीच यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है ना, तब जो एग्रीव पार्टी मतलब त्राहित पक्ष जिसको परेशानी हुई, वो कोई भी लीगल रेमेडीज यानी कोई भी उपाय कानून के अंदर ढूंढ नहीं सकता। राइन तने रीज्वाइन करूँ पर से पाछू, मैं तने पाछी बीजी वगैरह लिंक मोकलू जो। हाँ ओके सर। हाँ नाउ सी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। सेकेंड टाइप, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ और इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्डक्ट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और द सर्कमस्टेंसेस यानी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब क्या, जैसे तुम कोई मॉल में जाते हो ना, तुमने वहां रैक के ऊपर से कोई एक पैकेट उठा लिया तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये खरीद रहे हो तुम, ये इम्प्लाइड हो गया, तुम बोल नहीं रहे हो, तुमने खाली उसका जेस्चर यानी इस तरह से
तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि तुम उसको खरीदना चाहते हो। दीज आर द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले अपने एक्सप्रेस की बात करें, एक्सप्रेस यानी बोलना है तो लिखना, दोनों चीजें आ गई। इफ द टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज इन राइटिंग और बाय स्पोकन वर्ड्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, वेयर द ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। यानी शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या हो गया, तुम्हारी एक्सप्रेस प्रोमिस। एंड एज एक्सप्रेस प्रोमिस रिजल्ट्स इन एज इन एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एक्सप्रेस प्रोमिस है उसका फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो इम्प्लाइड है, इसमें क्या तुम्हारा एक्ट या तो तुम्हारा कंडक्ट यानी तुम्हारा बिहेवियर, उससे सामने वाले को पता चलता है कि तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। इट मीन्स दैट इट इज नॉट रिजल्ट ऑफ द एनी एक्सप्रेस प्रॉमिस और प्रॉमिसेस, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्टी। इन अदर वर्ड्स, वेयर द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कब बोला जाएगा, कि वर्ड्स के बिना जो भी किया जाए तो। मोर ओवर, इम्प्लाइड प्रॉमिस से क्या आता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कोई पब्लिक बस में गया, बस में उसके बाद में बैठ गया वहां पे जाके, तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो बोले मैं तो खाली चक्कर मारने के लिए आई थी और मैं उतर जाऊं फटाफट, तो वो ना चले, समझे ना, वो टिकट लेनी पड़े ऐसा। इसी तरह से पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े रहे तो किस लिए गए, पेट्रोल के लिए गए, सीधी बात है। पर हमने जब तक बोला नहीं ने कि इतने का पेट्रोल डालो, तब तक ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये सॉरी, ये इम्प्लाइड नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेस ही रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, बराबर ना। लेकिन कुछ जगह ऐसी है ने, जैसे थिएटर के अंदर टिकट खरीदना तो मतलब पिक्चर देखेंगे, ऐसी बात हो गई। और टेक्स अ कप ऑफ टी इन अ रेस्टोरेंट और ऑब्टेन्स अ टिकट फ्रॉम एन ऑटोमेटिक वेइंग मशीन और लिफ्ट्स अ 20 बैगेज लगेज टू बी कैरीड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, तो ये सब क्या हो गया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कुली अपना सामान उठा लेने कॉन्ट्रैक्ट, फिर अपने बोलते नहीं उठाना, चल रख ना। एग्जाम्पल, ये बिजनेस में लिव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट देखो। अभी मैंने ने पिज्जा ऑर्डर किया, जो पिज्जा ऑर्डर किया ने वो मेरे घर पे नहीं, बाजू वाले के घर पे, वो खा भी गए, तो इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड मी, किसके, उसके साथ में और मेरे साथ में, कि अब उसके पिज्जा के पैसे किसको। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉसी यानी कॉन्ट्रैक्ट जैसा, वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बराबर ने। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कोई होते नहीं है, पर है ने, ये फाइंडर ऑफ द गुड्स के साथ होता है। जैसे रास्ते में जाते हो, तुमको रास्ते में से कोई चीज मिलती है, तो अब तुम्हारा और उस चीज के असल मालिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कि वो उसको रिटर्न करनी पड़े, तुमको उसकी केयर रखनी पड़े जब तक वो तुम्हारे पास है, तब तक, बराबर ना। इसको फाइंडर ऑफ गुड्स बोला जाता है। ये भी आएगा इसी में, लीगल ऑब्लिगेशन आर इम्पोज ऑन अ पार्टी हु इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट, इट इज फॉलोड ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। यानी दूसरे के पैसे से तुम एकदम एंजॉयमेंट करो, थोड़ा चले। ये एग्जैक्टली वही हुआ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने बोला ना, बाजू वाले के अंदर, बाजू वाले के घर में वो वीजा छोड़ के चला गया, वो वाला। ए अ बिजनेस मैन लिव गुड्स एट सी सीज हाउस बाय मिस्टेक, सी ट्रीट्स गुड्स एज इज ओन, सी इज बाउंड टू पे ए फॉर द गुड्स, बराबर ने। जैसे वीजा वाला एग्जाम्पल एकदम सेट होता है। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, पहला लिखा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन, दोनों पार्टी ने अपनी अपनी जवाबदारी को पूरा कर लिया है और कुछ भी बाकी नहीं है। यानी खरीदने वाले ने चीज को अपने पजेशन में ले लिया और उसने प्राइस भी पे कर दी और सामने वाले को अपनी कीमत भी मिल गई, सब खत्म हो गया, अब किसी को कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, जिसमें एक पार्टी या तो दोनों पार्टी को अपनी प्रॉमिस पूरी करने की बाकी है। जैसे कि मैं किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तो ना मैंने उसको पैसे दिए ना उसने घर बनाया है, दोनों चीजें बाकी, तो ये बोथ साइड से एग्जीक्यूटरी हो गया। लेकिन एक साइड से एग्जीक्यूटरी का मतलब मैंने उसको पैसे दे दिए, अब वो घर बनाएगा, तो उसकी तरफ से एग्जीक्यूटरी, मेरी तरफ से एग्जीक्यूटेड,
बराबर ने एग्रीज टू सेल इज बाइसिकल आफ्टर 15 डेज टू बी फॉर ₹200। 15 दिन के बाद तो एग्जीक्यूटर हुआ ने। इफ ए हैज नॉट येट पेंटेड द पिक्चर एंड बी हैज नॉट पेड द प्राइस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जीक्यूटर ही हो गया। बराबर, एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। जैसे कि बी ने प्राइस पे कर दी लेकिन ए ने अभी तक पिक्चर नहीं पेंट किया, तो ये क्या हो गया, एक साइड से एग्जीक्यूटेड और एक साइड से एग्जीक्यूटरी, जैसे मैंने आगे एग्जाम्पल दिया। अनदर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस इज एज फॉलोज, यूनिलेटरल और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल यानी वन साइडेड, एक जगह से एक ने अपनी प्रॉमिस पूरी की है टाइम पे, दूसरे ने नहीं की है। बराबर ने, एक ने ऑलरेडी पूरी कर दी है, जैसे कि समझो ए अलाउज रेलवे कुली टू कैरी हिज लगेज, रिक्शा में तुम बैठे, तुम जब वो तुम्हारी मंजिल तक पहुंच गए तो इसका मतलब रिक्शा वाले ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब पैसे देने के तुमको बाकी। तो ये क्या हो गया, वन साइड की प्रॉमिस तुमने पूरी करवाई, दूसरी साइड की प्रॉमिस तुम्हारी बाकी है। अब बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी दोनों बाकी है, दोनों ने अपनी अपनी, जैसे मैंने कैब बुक कराई तो कैब वाला आके मेरे घर पे रुका, ना मैं अभी उसके ऊपर बैठा हूं ना मैंने उसको पैसे दिए, दोनों चीजें, तो ये एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन के अंदर आ जाता है। फिर टॉपिक टू देखो, लास्ट वन, नहीं बाकी है, लास्ट है, एक पेज। टॉपिक टू, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या मुझे यहां तक कराने पर, देखो डिफाइन ऑफर एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। अच्छा ये क्वेश्चन आधा है ऐसा, ओके ओके, यहाँ तक अपने कंप्लीट करते हैं, चलो डन। डिस्कस लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर, डिफाइन द टर्म ऑफर, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर और प्रपोजल। हाँ थरी गई तू ने फिफ्थ की बाकी जो हाँ 50 बाकी से, ओके, राइट राइट राइट, थैंक यू। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, राइट राइट, ओके, थैंक यू। द ऑफर टू डू और नॉट टू डू समथिंग मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, एसेंट यानी एग्रीमेंट, मर्जी ऑफ द अदर पार्टी टू हुम इट इज मेड। इफ द ऑफर हैज नो इंटेंशन टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टी देन इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। यानी अगर ऑफर वैलिड करनी है तो क्या करेंगे, सिंपल, अपने ने सामने वाले को जब भी ऑफर करते हैं ना, तो ऑफर का मतलब क्या कि मैं ऐसा चाहता हूं कि सामने वाला वो ऑफर एक्सेप्ट करे। अब ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, मैं किसी को ऐसा बोलूं कि देख तूने अगर जवाब नहीं दिया ना तो मैं मान लूंगा कि तूने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, ये गलत। हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, तू अगर जवाब नहीं देगा तो मैं मान लूंगा कि तुझे ऑफर एक्सेप्टेड नहीं है, वो बोल सकते, लेकिन एक्सेप्ट कर ली वो नहीं, यही लिखा है। देखो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच मे बी एज्यूम टू अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। नॉन कंप्लायंस यानी किसी बात को ना मानना, उसको नॉन कंप्लायंस बोला जाता है। जब भी ऑफर रखता है ना तो इट शुड नॉट कंटेन एनी टर्म विच में ऑटोमेटिकली अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इट मीन्स दैट इफ द अदर पार्टी डज नॉट फुलफिल द कंडीशन देन द ऑफरर कैन नॉट एज्यूम दैट इट्स ऑफर इज एक्सेप्टेड। दैज अ मैन कैन नॉट से दैट इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेट बाय अ सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। यानी मैन कैन नॉट से कि तुमने अगर मेरे को बोला नहीं तो मैं समझ लूंगा कि मैं तुमने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। नाउ अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तुमने पूछा ये किसका था, पर है केस में अगर याद करो इसको, ये भी एक केस था क्यूरी वर्सेस मीसा, लगभग तो वही है पर मुझे याद नहीं है प्रॉपर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर टू सेल। यानी तुमने मुझसे कोटेशन मांगा, मैंने तुमने कोटेशन दे दिया, तुम बोलो ये कोटेशन मेरे को दे दो, ये चीज मुझे दे दो, तो मैं बोलता हूँ नहीं आई एम नॉट रेडी टू सेल, तो राइट है, मैं राइट हूँ। तुम बोलो कि प्राइस बताने के बाद ना किसे तुम बोल सकते हो, ये गलत है, समझे ना। अ सेलर इज नॉट बाउंड टू सेल द गुड्स एज पर द प्राइस लिस्ट विच आर प्रिंटेड और अगर सर्कुलेटेड।
बिकॉज सच स्टेटमेंट ऑफ प्राइसेस आर नॉट ऑफर, सब जगह पे प्राइस का लिस्ट मैंने भेज दिया, सामने वाले ने ऑर्डर दिया, मैं बना करता हूँ, मुझे बेचना नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ बोल। એટલે લાસ્ટ મતલબ જે વીલ મતલબ જે એન્જિને વેચવાનું હોય એની મરજી ચાલે એવું ના, हाँ એને વેચવું राइट હોય તો ना, વેચે ના इसीलिए વેચવું कई बार ना एक गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि रिक्शा वाले ने जो भी बोले कि यहाँ भाड़ा जाना है, तुम ना बोलो तो रिक्शा वाले तुम्हारे पास से गुजरता है, खाली जा रहा है, तुम उसको बुला रहे हो, रुकता नहीं है, तो केस नहीं कर सकता कि तू रुका क्यों नहीं, उसका जाना ये नहीं बता रहा है कि वो तुम्हारे साथ में जाने के लिए रेडी हो, समझा रहे हो। ऑफर में भी ये थोड़ा अलग है, मैं साथ में समझा रहा हूँ उसको, ऑफर में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल मतलब शर्त के साथ भी हो सकते हैं, नहीं भी। When any person puts an offer, he can put as many condition as he likes, or he may not put any condition. Condition के बिना भी ऑफर है, कंडीशन के साथ भी ऑफर है। A puts a proposal to B, I want to sell my house at the following condition, 1, 2, 3, 4 and so on, जितनी भी कंडीशन रखने को रख सकता है। Now, when does an offer come to an end? कब ऑफर खत्म हो जाती है? यानी जिसको ड्यूरेशन ऑफ ऑफर बोला जाता है, या रिवोकेशन, या रिवोकेशन ऑफ ऑफर, या तो लैप्स ऑफ ऑफर बोला जाता है, यानी ऑफर का खत्म हो जाना। एन ऑफर में कम्स टू एन एंड बाय रिवोकेशन और लैप्स और बाय रिजेक्शन। रिवोकेशन का मतलब ऑफर को वापस खींच लेना। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, एन ऑफर में भी रिवोक बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द ऑफर एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। जैसे ऑक्शन है, ऑक्शन में इन्हें बोला, मैंने पूछा तुमको कि मुझे ये चीज बेचनी है, राइट, ये यहाँ से शुरू किया, 50 लाख से शुरू किया, 50 लाख 1, 50 लाख 2, और किसी ने बोला 1 करोड़। अब मैं 1 करोड़ 1, 2 बोलू, और तीसरा जैसे हैमर फॉल करूँ ना, उसके पहले सामने वाला बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ही इज राइट, वो वैलिड है उसके लिए, बराबर। नाउ ही विड्रॉज द बिड बिफोर द फॉल ऑफ अ हैमर, लिखा है, तो इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी ऑक्शन के अंदर हथौड़ा पड़ने से पहले अगर तुमने बोल दिया ना कि मुझे नहीं लेना ये, तो तुम कर सकते हो। इन्हें ना बोला वही किलो 50 लाख का ऑफर पास आई है ना भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर बात वो तो नए सिरे से चालू कर, नए सिरे से चालू करके ऐसा। है। बाय लैप्स ऑफ टाइम द ऑफर इज रिवोक्ड, पेज नंबर 16, द ऑफर इज रिवोक्ड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, इफ हाई एवर नो टाइम इज प्रिस्क्राइब, यानी टाइम लिखा नहीं है तो कोई भी टाइम पे एक्सपायर हो गया तो यानी उसको रिवोक किया जा सके। इसका मतलब ये कि मैं बोलूँ कि ओवर 31 दिसंबर तक दे, तो तुम 4 जनवरी को आगे वो ऑफर मांगोगे तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। पर अगर ऑफर मैंने ओपन रखी हो तो तुम 10 साल बाद आके बोलोगे वो ऑफर तो ओपन थी, तुमने कहाँ बोला था कि क्लोज कर दी, पर 10 साल तो रीजनेबल टाइम नहीं हुआ ना, बहुत लंबा टाइम हो गया ये तो। ये हेड वर्सेस डिगन का केस है, एस ऑफर्ड टू सेल वुल टू बी ऑन थर्सडे, और उसको बोला कि 3 दिन तुमको दिए एक्सेप्ट करने के लिए, बी एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन मंडे, बट बाय दैट टाइम एस ने क्या किया था, वुल बेच दिया था, तो हेल्ड द ऑफर हैड लैप्स्ड। बाय नॉन फुलफिलमेंट बाय द ऑफरी ऑफ अ कंडीशन प्रिसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, एन ऑफर इज रिवोक्ड इफ द ऑफरी फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रिसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। मैंने उसको बोला कि तुमको एन एडवांस देना पड़ेगा तो जो ऑफर एक्सेप्टेड, तुमने एडवांस दिया नहीं तो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं। कंडीशन क्या थी, एडवांस दो तो ऑफर सही, टोकन मनी तो देना पड़ेगा, बराबर, तो नहीं तो नहीं। रिवोकेशन बाय डेथ और इनसेनिटी, डेथ यानी मर जाना हो तो पता है, रिवोकेशन का मतलब वापिस खींच लेना होता है, और इनसेनिटी यानी पागल हो जाना, राइट। एन ऑफर इज रिवोक बाय डेथ और इनसेनिटी ऑफ द ऑफरर प्रोवाइडेड द ऑफरी कम्स टू नो ऑफ द डेथ और इनसेनिटी बिफोर द एक्सेप्टेंस, इफ ही एक्सेप्ट एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ और इनसेनिटी ऑफ द ऑफरर, द एक्सेप्टेंस इज वैलिड। पता नहीं है उसको क्यों मर गया, पता नहीं है कि वो इंसान पागल हो गया, लेकिन उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर जानता है तो जानबूझ के अगर वो करे ना तो गलत, बराबर ना। इफ अ काउंटर ऑफर इज मेड, एन ऑफर इज रिवोक, मैंने तुमको बोला कि मेरा मोबाइल तुम्हें ने 25,000 रुपये में ले जाओ, तुम मुझे बोलते हो कि मैं 23,000 में खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो जैसे मैंने 25 की ऑफर दी उसके सामने, जैसे तुम 23 की ऑफर दे रहे हो ने, तो 25 वाली ऑफर ऑटोमेटिकली खारिज हो गई, बराबर ना।
एग्जाम्पल ए ऑफर्ड टू सेल हिज फार्म टू बी फॉर रुपीज 1 लाख, बी ऑफर्ड रुपीज 950, ए रिफ्यूज ऑफर, सब्सिक्वेंटली बी ऑफर्ड टू पे रुपीज 1000, हेल्ड देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे 950 की बात जब हुई ने तो इसका मतलब 1000 वाली ऑफर तुम्हारी ऑलरेडी रिवोक हो गई। द काउंटर ऑफर टू अ प्रपोजल अमाउंट टू इट्स रिजेक्शन, जब भी काउंटर ऑफर करेंगे ना तो पुरानी ऑफर रिजेक्ट हो गई। टिन वर्सेस हॉफमैन 1873 का केस है, सोच लो बराबर। एन ऑफर ही एग्रीड टू एक्सेप्ट हाफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर बाय द ऑफर और ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज वुड हैव अप्लाइड टू द फुल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला है पूरी चीज ले लो, बोलता है मैं आधी चीज लेने के ले लूँ, तो ये मतलब काउंटर ऑफर की तो पुरानी ऑफर खत्म। ठीक मैं लिखाऊंगा तुमको, और तैयारी ऐसे करने की है, 4 तारीख को एग्जाम है, हर बार तेरे को तैयार होना इसके लिए। इस बार मेरे को 0 पूरा का पूरा TY एक भी लाल लाइन के बिना खत्म करना है, समझ ले तू, और एक भी गुलाब नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम तेरा सेट किया मैंने। इफ एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी मैंने बोला कि चेक से पैसा दोगे तो ही मैं ये कॉन्ट्रैक्ट समझूंगा, नहीं तो नहीं, तो तुमने चेक कैश भेजी तो ना चले, समझे ना। उसको बोला गया कि एग्जैक्टली इसी तरह से तुमको काम करना है, तुम नहीं कर रहे हो, भले तुम काम कर रहे हो लेकिन तुम जो बोला गया वैसा नहीं कर रहे हो, जो मोड बोला गया उस मोड से नहीं कर रहे हो, तो मतलब ऑफर रिजेक्ट। एन ऑफर कैन हाउएवर बी रिवोक सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रूल्स, इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, तूने एक्सेप्ट कर लिया ने बाद में मैं रिवोक नहीं कर सकता। फिर रिवोकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग, अब मैं बोलूँ ना कि मैंने रिवोक किया तो मतलब नहीं, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना, बताना तो चाहिए ना उसको। इफ द ऑफर एग्रीज टू कीप हिज ऑफर ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ही कैन रिवोक इट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड ओनली, ऑफर ऑफर अगर समझो कि वो लगता है उसको कि ये इतने टाइम तक मेरी ऑफर ओपन है, अब मैंने बोला 31 दिसंबर तक, पर तुम 1 जनवरी को जाओ तो ऑफर खत्म हो गई बराबर। अब ये खत्म कब होगी, अगर तुमने मीन टाइम यानी बीच में कभी भी उसको एक्सेप्ट ना किया हो, और इफ देर इज नो कंसिडरेशन फॉर कीपिंग द ऑफर ओपन, यानी टोकन मनी दे दिया हो तो ऑफर ओपन है, पर अगर टोकन मनी भी ना दिया हो, भी चीज ना प्रोवाइड किया तुमने, तो ये ऑफर खत्म हो गई। अब लिखा है रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के अंदर आएगा। एन ऑफर इतना सेफ, एन ऑफर ही में रिजेक्ट द ऑफर, वंस ही रिजेक्ट द ऑफर ही कैन नॉट सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड, इन अदर वर्ड्स एन ऑफर कम्स टू एन एंड व्हेन इट इज रिजेक्टेड बाय द ऑफरिंग, रिजेक्शन ऑफ द ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस रिजेक्शन का मतलब मना कर दू, बोल दू, लिख के बताऊं या बोल के बताऊं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सप्रेस रिजेक्शन बराबर ने। और इम्प्लाइड रिजेक्शन का मतलब, इम्प्लाइड का मतलब मैं काउंटर ऑफर कर देता हूँ, मैं बोलता नहीं कि तेरी ऑफर मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ इतने में दे, तो काउंटर ऑफर की तो पुरानी ऑफर रिजेक्ट। दूसरी बात, मैं कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि ना आज नहीं चाहिए 2 दिन बाद आऊंगा, तो कंडीशन आ गई तो मतलब तेरी ऑफर तो रिजेक्ट हो गई, समझे ना। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और टेलेक्स रूरल कम्युनिकेशन, मॉडर्न बिजनेस सब टेलीफोन पे भी होता है बराबर ने, तो कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है ना वो भी बराबरच कॉन्ट्रैक्ट है, बट द ऑफर ही मस्ट मेक श्योर दैट उसका एक्सेप्टेंस बराबर से रिसीव किया, हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफर, यानी कई बार अपने ने, देखो मैं बताऊं, वो बैंक वाले फोन नहीं करते तुमको लोन ले लो, फोन पे करते हैं ना तुमको, कि तुम बोलते हो हाँ मुझे चाहिए लोन, तो तुमको बोलेंगे तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ बोलो, तुम्हारा पैन नंबर बोलो, ये सब तुमसे मांगेंगे, उसके बारे में बोलेंगे तुम्हारा इतनी लोन मिलती है और तुम्हारा अकाउंट नंबर, ये सब सब फोन पे, और फिर टर्म्स एंड कंडीशन लंबी लंबी समझाएंगे तुमको बराबर ने, 5 मिनट तक वो सामने से पढ़ती जाएगी और तुमको सुनते जाने का, उसके बाद में तुम यस बोलो तो उसके बाद में ऑफर हो गई कंप्लीट, समझे ना। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस ऑफर वेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, और दोनों को पता है, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, समझ, तूने बोला कि मुझे तुम्हारा फोन 25,000 में चाहिए, तूने ऐसा लेटर मेरे को लिखा,
मैंने तुझे ऐसा सेम लेटर लिखा कि मुझे अपना फोन तुझे 25,000 में बेचना है ना। हम दोनों को पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं है कि तूने लेटर भेजा और तुझे ये पता नहीं है कि मैंने लेटर भेजा है, बराबर। तो ये क्रॉस ऑफर हो गई, सेम ऑफर एक दूसरे को की जा रही है लेकिन इग्नोरेंस में की जा रही है, दोनों को पता नहीं कि दोनों ने ऑफर किए सामने सामने, तो इसको क्रॉस ऑफर बोला जाएगा। ये कई कभी कभी होता है, क्योंकि गाने है नहीं बात पर दूसरी बार ये पर अलग। एक लाइन है खाली, अब हो गया खत्म हो गया। ये बताया ना मैंने तुमको, डेट डू नॉट अमाउंट टू ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर। यहाँ एक्सेप्ट हो गया क्योंकि तुम दोनों ने सेम ऑफर किए, तो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधी सीधी तो बात है, जैसे ए फ्रॉम बरोडा राइट्स टू बी ऑफरिंग सेल ऑफ हाउस फॉर ₹20 लाख, एट द सेम टाइम बी राइट्स ऑफरिंग टू बाय हिज हाउस फॉर ₹20 लाख, दीज आर क्रॉस ऑफर। ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे लिए, क्रॉस ऑफर हो गए, राइट। नाउ डिफाइन एक्सेप्टेंस। अब ये रूल किसके लिए बताए गए, एक्सेप्टेंस के रूल्स आपको बताने, ये अनदर क्वेश्चन। ऑफर वाला 21 पेज का तो ऑलरेडी है ना अपने, खत्म हो जाएगा 21 पेजेस का, तो भी चैप्टर अभी पूरा नहीं होता है, इतना समझो ये लेंदी है। बट मैं बोलता हूँ ने स्टोरी की तरह से पढ़ोगे ना समझ के, तो सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट ये है, बराबर ने। और बात समझो, कोई इसके अंदर जो है ना, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी को फेल होते हुए नहीं लिखा इसमें, ये सब्जेक्ट में, राइट। अब ये देखो कंसिडरेशन टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तुमको पहला टॉपिक कंसिडरेशन, ये दो टॉपिक करो ना तो भी मोर देन इनफ, भी तो बहुत है आगे। देखो फिर है ना कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी सेम सेम एक यूनिट चल रहा है तुमका पहला, जो ऑलरेडी है ना कॉन्सेप्ट 35 नंबर पे के पेज पे तो आ गया। फिर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, टोटल तुम्हारा 48 पेजेस का यूनिट है ये, उसमें से अपने 21 पर आए, अभी पर यूनिट टू 21 का किलो खत्म करा, करेंगे ना, यूनिट टू किलो करा, वियर्ड समेत मैच करा इस करा, मैच करा ले, हमारे यूनिट पास टाइम नहीं हो तो टू था। यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और चौथा यूनिट है ना वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, यानी पहले है ना, आप बात समझो, पहले 72 पेज का एक यूनिट होता था, यानी ये 3 हिस्सों में जो डिवाइड किया है ना, पहला यूनिट दूसरा यूनिट तीसरा यूनिट, तो मैं इसको 72 पेजेस को मैं खाली एक यूनिट में पढ़ाता था, दूसरा यूनिट तुम्हारा सेल ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा सेल ऑफ गुड, चौथा कंपनी लॉ, 6 यूनिट वाला होता था वो, एक सेमेस्टर के अंदर नहीं होता था, पूरे साल के अंदर 6 यूनिट याद करने के, 72 पेजेस। अभी भी पेम्फलेट मेरे पास है अवेलेबल वो। सी नाउ डिफाइन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, कैसे मैं मानू कि सामने वाले ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया या नहीं किया वो। अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, मैंने ऑफर किया तुमने एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज द राइट ऑफ ऑफर ही टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। मैंने ऑफर किया, ऑफर करने वाले को ऑफरर बोला जाता है और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले को ऑफर ही बोला जाता है, तो सामने वाला एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है, बट एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर द रूल्स प्रोवाइडेड। और जो भी एक्सेप्टेंस करो ना वो रूल के मुताबिक करो, एंड इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो वो ये वैलिड एक्सेप्टेंस तुम्हारे लिए नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस इज एन एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी ऑफ हिज विलिंगनेस टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर, दिस मीन्स दैट एक्सेप्टेंस इज द कंसेंट ऑफ द पार्टी, कंसेंट कंसेंट यानी उसकी मर्जी सामने वाले की, टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड। इन अदर वर्ड्स व्हेन द ऑफर ही सिग्निफाइज इज असेंट टू द ऑफरर, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस कब बनेगी, ऑफर को एक्सेप्ट करो तो, ये पूछेंगे एमसीक्यू में। नाउ एक्सेप्टेंस मे बी एक्सेप्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब बोल के बताना, लिख के बताना, वही जैसा ऑफर है ना वैसा एक्सेप्टेंस है। फिर उसके बाद में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस इज इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब एक सीधी सी बात, मॉल में एक जगह पे एक चीज रखी हुई है, तुमने उसको अपने कार्ट में डाल दिया यानी अपने बास्केट के अंदर डाल दिया, वहां काउंटर पे गए पेमेंट करने के लिए, तुमने बोला थोड़ी कि मेरे को ये चाहिए उसको ला के मेरे बॉक्स में रखो, नहीं सीधा तुम लेके गए वहां पे, तो जैसे ही तुमने अपने वो बास्केट में रखा ना
तुमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तुमने दोनों चेक किया, क्वांटिटी भी और प्राइस भी, और इसके बाद में तुमने उसको अपने बास्केट में रखा। जैसे ही तुमने उसको उठाया मतलब तुमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल, ये इम्प्लाइड ऑफर हो गई। इसी तरह से ऑक्शन के अंदर जो हाईएस्ट बिडर होता है उसने क्या कर लिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है शायद। हु कैन एक्सेप्ट ऑफर, वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए की गई हो बाय अनदर पर्सन। नहीं, यहाँ पे भी सेम कार्लिल वर्सेस कार्बल स्मोक बोल वही केस आता है, क्योंकि ये ऑफर थी जनरल ऑफर। बराबर, कंपनी क्या ब्लेम कर रही है कि नहीं यार, क्लेम कर रही है, सॉरी नॉट ब्लेम, क्लेम कर रही है कि ऑफर उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा यानी फलानी फलानी कंडीशन से, और उन्हीं को मैं इन्फ्लुएंजा से बचा पाएंगे स्मोक बोल से, ऐसा बोला कंपनी ने। बट गलत, यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कुछ लिखा नहीं था, तो मतलब ये जनरल ऑफर हो गई। तो अगर जनरल ऑफर एक बार हो गई ना, तो इसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर उसने एक्सेप्ट किया तो कंपनी ने जो दावा किया था ना, उस दावे को अगर कंपनी पूरा नहीं कर पाती तो इसका मतलब कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, यानी 100 पाउंड का उसको जुर्माना देना पड़ेगा ऐसा। अब लीगल रूल्स आती है, लीगल रूल्स एज टू द एक्सेप्टेंस। पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था ना, अभी तक 1872 में बना था, अभी तक चला 1872, 150 साल पुराना ये कानून, बराबर ने, और वो एन एग्जैक्टली कॉपी था किसका, ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे बाद में, धीमे 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 करके। तो ये मत समझो कि 1872 से सेम टू सेम चला रहा है ना, बहुत सारी चीजें बदली है बीच में, उसको अमेंडमेंट बोला जाता है, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी नहीं बदला। जैसे कंपनी एक्ट 1956 में पहले आया था, फिर बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, पर 2013 में क्या किया, अगर तुमने कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजन चेंज कर दिए ना, तो नाम बदल जाएगा 2013 ऐसा, बराबर ना। लेवल ऐसे ही कंपटीशन एक्ट 2000 में भी आया था, पर उसके अंदर सुधारा किया, उसके बाद में 2008 में आया दूसरा कंपटीशन एक्ट, बराबर ना। तो लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस ने हमेशा अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब तुम ऑफर में कंडीशन रख सकते हो, एक्सेप्टेंस में नहीं। तुमने जैसा बोला मुझे मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर मैं कुछ भी कंडीशन रखता हूँ तो काउंटर ऑफर हो गई, बराबर ना। एन एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, एंड ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, वेदर मटेरियल और इमटेरियल, मेजर और माइनर, इट मीन्स, यानी सब चीजें तुमको मान लेनी पड़े, उसके अंदर जितना भी जो भी लिखा है वो सब कुछ मान लेना पड़े। इट मीन्स दैट अ पर्सन मेकिंग एन एक्सेप्टेंस कैन नॉट पुट एनी कंडीशन, देयर इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टीज, नॉट एडिडम, एडिडम यानी मीटिंग ऑफ माइंड, दिमाग उनका मिलता ना ही हो, तो इसका मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। कंसेंसस एडिडम देखा था, मीटिंग ऑफ माइंड्स। एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड टोटली और एब्सोल्युटली, इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट अ गुड और वैलिड एक्सेप्टेंस, आधा अधूरा एक्सेप्टेंस नहीं। यहाँ लिखा गया है कि 28 हजार के अंदर मैं जमीन बेचना चाहता हूँ, और वो 20 हजार बोलते, 20 हजार भेज रहा है अभी, और 8 हजार धीमे धीमे भेजूंगा ना, उसने बोला 28 हजार एक साथ में दे तो बेचूंगा, तो अगर 20 हजार भेज के वो अगर, तो सामने वाला उसको रिजेक्ट कर सकता है ऑफर को, क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी बात है, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्या हो गया तुम्हारा, कंडीशनल और क्वालिफाइड हो गया। इफ देर इज अ वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वो भी खत्म, वो काउंटर ऑफर हो गई। जैसे मैंने आगे बताया कि मैं जरा भी चेंज करता हूँ कि 28 नहीं, मैं तो 27,500 दूंगा, तो काउंटर ऑफर हो गई, बराबर है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, तो मन में बात रखो तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस सामने वाले को बहुत बताना चाहिए। तुमने नक्की कर लिया कि हाँ मैं ये खरीद लूंगा तो नहीं, मैं सामने वाले को बताऊं तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। जिसने मुझे ऑफर की उस तक बात ये पहुंचनी चाहिए कि मुझे ये ऑफर मंजूर है, राइट। ए टेल्स बी दैट ही इंटेंड्स टू मैरी सी बट टेल्स ही नथिंग ऑफ हिज इंटेंशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, बराबर ना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड इन यूजुअल और यूजुअल एंड रीजनेबल मोड। अब यहाँ पे ने जैसे ये चेक का मैंने आगे बोला कि मैंने बोला चेक से पेमेंट करोगे तो ही तुमको ये गुड्स मिलेंगे ना, तो नहीं। मैंने अभी तुमको बोला वीवो के अंदर जो मेरी पहचान है उसमें वो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा कैश पेमेंट करो,
इवन कार्ड भी स्वाइप करो पर ईएमआई नहीं करने के, तो तुमको ही ना मैं 2-3 हजार का डिस्काउंट दिलवा दूं। तो ये क्या था उसका कंडीशन कि पूरा पेमेंट करो, तो मैं वहां जाके बोलता भाई ईएमआई कराने तो ऑफर रिजेक्टेड, समझे ना, जो मोड बोला है वही मोड के अंदर। ये सब रियल लाइफ का है सब जो भी कर रहे हैं लोग। तो अब कई बार तो ऐसा नहीं कि मोड प्रिस्क्राइब लिखा गया, जैसे कि अपने बात करें बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिसके अंदर हमको पहले से पता है कि पेमेंट ऐसे ही होता है। जैसे अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करोगे तो चेक से करना पड़ता है, या ऑनलाइन ट्रांसफर करो, चेक से करो या तो ऑनलाइन ट्रांसफर करो, बराबर। अब यहाँ एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, नेक्स्ट पेज पे आता है एक्सेप्टेंस। देखो अगर तुमको लगता है, ये एग्जाम्पल तो तुम अपने बना सकते हो, समझे, ऊपर की लाइनें ने वो भी ये साइट पर लिखा है ना उसको ऊपर से तुमको समझ में आ जाना चाहिए। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम इफ एनी टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। अगर पहले से बताया गया हो कि इतने टाइम तक ये ऑफर चालू है तो वहां तक, लेकिन अगर टाइम लिमिट स्पेसिफाइड ना की गई हो तो रीजनेबल टाइम यानी आज ऑफर चालू की तो महीना 2 महीना चलेगी, तो 2 साल बाद पूछने जाओ तो मार पड़े ना फिर, यही बात है। इफ एनी पार्टी पुट्स एन ऑफर फॉर पेरिशेबल थिंग, तो मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर खत्म, पेरिशेबल यानी जो चीज खत्म हो जाती हो ना वैसी चीज, बिगड़ जाती हो वैसी चीज। इफ एन इफ ऑफर इज मेड फॉर गोल्ड और सिल्वर एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बिफोर द प्राइस चेंजेस। आज के दिन आज खाली ऑफर ऐसा बोला तो आज का दिन खाली होना चाहिए। ये ने रामसगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस कंपनी वर्सेस मोंटेफियोर, ये ऐसा वो एम यानी कौन, मोंटेफियोर ऑफर्ड टू टेक शेयर इन आर कंपनी यानी रामसगेट में उसने शेयर लेने का ऑफर किया। ही रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन नवंबर 23, उसने रिफ्यूज कर दिया ये, क्योंकि जून 8 का और नवंबर 23 का वो कर सकता है रिफ्यूज। जून 8 का और नवंबर 23 का शेयर का एक्सेप्टेंस 15-20 दिनों में हो जाए समझ में आती है बात, पर तुम तो इतने महीने 6-6 8-8 महीने लगाओ थोड़ा चलेगा, समझे ना, 5 महीने हो गए इसके अंदर। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर, ये बहुत मस्त एग्जाम्पल है इसमें। तू कुछ बोलने जा रही है, मैं बोलता हूँ तू जो भी बोले मेरे को मंजूर है, बोले मत, क्योंकि मतलब है तू पहले पूरी बात तो पूरी कर, तू ऑफर एड ना करे उससे पहले बोल दू कि तूने जो किया वो सब मेरे को एक्सेप्ट, तो ये कैसे हुआ, यानी ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। अपने ये नहीं बोल सकते कि तू जो लिखे वो मंजूर है, वो मतलब नहीं है, कोई बोले भी नहीं तो भी ये मान्य नहीं है अदालत में, बात समझ लो। देर कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इफ इट हैपेंस देन इट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, इन अ कंपनी अ पर्सन वॉज अलॉटेड शेयर हु हैड नॉट अप्लाइड, सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर प्रीवियस टू एप्लीकेशन इज इनवैलिड, राइट, यानी पहले से तुमने अगर एप्लीकेशन के पहले अलॉटमेंट कैसे कर सकते हो, सामने वाला अप्लाई तो करे फिर अलॉट करेंगे। कई बार ऐसा होता है अपने बोलते तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए, तो सामने वाला क्या बोलेगा, जॉब खाली है तू अप्लाई कर अभी मिल जाएगी, और बोलेगा अप्लाई कर तो क्या तेरी जॉब है 5-6 दिन बाद अप्लाई करना, कैसे चलेगा ये, बराबर। एक्सेप्टेंस मस्ट शो इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस मस्ट शो एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द प्रॉमिस, इफ नो सच इंटेंशन इज प्रेजेंट एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। एक्सेप्टेंस क्या बताए, इंटेंशन यानी मर्जी बताए किसके ऊपर, एक्सेप्टर के, जो टर्म्स जो है यानी कंडीशन जो भी है वो पूरी करे, और अगर कोई ऐसा टर्म्स एंड कंप्लीट ना करनी हो जानबूझ के तो फिर मतलब नहीं बनता। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, तू चुप रहेगा तो समझ लूंगा कि तुझे वो ऑफर मेरी मंजूर है, ये गलत, ये भी नहीं हो सकता। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ द ऑफर ही और हिज फेलियर टू आंसर, इन अदर वर्ड्स एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय डूइंग सम रिक्वायर्ड एक्ट। एग्जाम्पल, ए रोड टू बी आई ऑफर यू माई कार फॉर ₹10,000, इफ आई विल नॉट गेट रिप्लाई विद इन 7 डेज आई विल एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड, ये तो गलत ने, बराबर ने, तुम हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं, तो समझ लो कि
ना समझ लूँ समझ में आता है, पर हाँ समझ लूँ ये समझ में नहीं आता। ऐसे तो रोज के झगड़े हो जाए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी और पार्टीज टू होम द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर की गई वही एक्सेप्ट करे, दूसरे इंसान को स्ट्रेंजर जो है ना वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट हाँ एजेंट है वो एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने तुमको ऑफर दी पर तुम अपने एजेंट को मेरे पास भेज दो तो एक्सेप्ट हो सकता है, बराबर नहीं? अब एक्सेप्टेंस बिफोर द ऑफर लैप्सिस, ऑफर खत्म होने से विड्रॉ होने से पहले ही एक्सेप्टेंस हो जाना जरूरी है। अब ये वाला जो है ना वो एमसीक्यू में इस इतना कंफ्यूज करेगा ना तुम्हारे, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मैंने तुमको लेटर, तुमने ऑफर किए, मैंने तुमको लेटर लिखा कि मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है, लेटर यहाँ से निकल गया बराबर, फिर मेरे को याद आया कि साला पैसे तो है नहीं बराबर, तो मैं उसको रिवोक करना चाहता हूँ ऑफर को, तो लेटर तुम तक पहुंचे ना उसके पहले मैं अगर तुमको फोन करके बोल दूं ना कि वो ऑफर मुझे नहीं चाहिए तो रिवोकेशन कंप्लीट, लेकिन तुम्हारे फोन जाने से पहले अगर लेटर पहुंच गया तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कंप्लीट। लॉजिक समझ रहे हो ना, सीधा लॉजिक है, सीधी सी बात है, दोनों में से जो फास्टर है ना वो तुम्हारे लिए फाइनल है। रिवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक और विड्रोवल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 पैरा 2, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट इज अगेंस्ट एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टर वर्ड्स। तो इसके लिए एग्जाम्पल दिए कि ए ने बोला बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल इज हाउस टू बी, उसने फर्स्ट ऑफ द मंथ यानी पहली तारीख को बोल दिया कि फोर्थ ऑफ द मंथ को नहीं, मैंने पहली तारीख को है ना पोस्ट किया लेटर, बी ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और चौथी तारीख को लेटर भेजा, ए सेंस लेटर ऑफ रिवोकेशन विच रीचेज बी ऑन 5th ऑफ द मंथ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, यानी 4 तारीख को तुमने एक्सेप्ट ऑलरेडी कर लिया है, सामने वाले को पता चल गया है, तो 5वीं तारीख को तुम बोल नहीं सकते कि मैंने रिवोक किया। अब रिवोकेशन मानिए या नहीं मानना वो सामने वाले पे नहीं, तुम्हारे पे नहीं है, तुम्हारे हाथ से बात चली गई, राइट? एक्सेप्टर के हाथ से बात चली गई। अब यहाँ देखो बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 4th, लेकिन वो 3री तारीख को बोल देता है कि यार मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है, तो 3री और 4थी के बीच में 1 दिन का फासला है, तुमने रिवोक पहले कर लिया तो तुम अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हो, पर इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस जब पोस्ट हुआ ना उसके पहले तुम ऑफर को रिवोक कर सकते हो लेकिन बाद में नहीं। इन द सेम मैनर एनी एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफर। ऑफर को देखो ऑफर को रिवोक करना होने तो एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करने से पहले रिवोक कर सकते हो ऑफर को, लेकिन एक्सेप्टेंस को रिवोक करना होने तो एक्सेप्टेंस के लेटर को पहुंचने से पहले अपने रिवोक कर सकते। दो चीजें लास्ट लाइन में अंदर बराबर याद रखो। अब आता है देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल यानी सामने सामने प्रॉमिस करना, राइट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मींस द प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर इच अदर। फॉर एग्जाम्पल अ प्रॉमिस, ए प्रॉमिस इज टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन कंसिडरेशन ऑफ बीस प्रॉमिस, दोनों को रेसिप्रोकल, मैं 50,000 में ये घर खरीदना चाहता हूँ, वो 50,000 में यह घर बेचना चाहता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गई। काउंटर अलग है, काउंटर में सॉरी क्रॉस अलग है, क्रॉस में पता नहीं होना जरूरी है, यहाँ पता होता है कि मेरी जो ऑफर है वही तुम्हारी भी ऑफर है, दोनों को पता है, राइट? अब यहाँ पे याद रखना है म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट, व्हेन ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म इज प्रॉमिस इंडिपेंडेंटली इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द पार्टी हैज परफॉर्मड और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और नॉट, सच प्रॉमिसेस आर नॉट नोन एज म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। म्यूचुअल का मतलब परस्पर, साम साम सामने सामने, और इंडिपेंडेंट का मतलब मैं तुमसे तुम मुझसे फ्री हो, मेरा डिसीजन तुम्हारे पर और तुम्हारा डिसीजन मेरे से डिपेंड नहीं करता है, बराबर ना? अब यहाँ लिखा है एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन 10th में एंड बी एग्रीज टू सप्लाई द गुड्स ऑन 5th में, ये म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट है, दोनों अपना अपना काम अलग से करेंगे। फिर कंडीशनल इंडिपेंडेंट, वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय वन पार्टी डिपेंड्स अपॉन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय द अदर पार्टी, द प्रॉमिसेस आर कंडीशनल इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिसेस टू सप्लाई गुड गुड्स टू बी इफ बी पेज इट्स प्राइस इन एडवांस,
दिस प्रॉमिस इज आर कंडीशनल एंड डिपेंडेंट, राइट? हियर ए नीड्स टू सप्लाई गुड्स टू बी इफ बी फेल्स टू पे प्राइस इन एडवांस. तो कंडीशनल का मतलब क्या कि अगर हम प्रॉमिस करें तो प्रॉमिस कंडीशनल और डिपेंडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकती है. कंडीशनल यानी अगर म्यूचुअल है ना तो इंडिपेंडेंट, कंडीशनल टू डिपेंडेंट. फिर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब साथ में चलने वाली, दोनों साथ में भी मैं अभी गुड्स ले रहा हूं मुझे कैश दे दे, बराबर ने वो कॉन्करेंट यानी साथ में चलता है. रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. मैं यहाँ रुकता हूँ अभी, कि अब यहाँ टाइम नहीं है. ऑलमोस्ट में कंटिन्यूसली 5 मिनट्स का ये लेक्चर होता है, राइट? नाउ ये पेज नंबर है तुम्हारा 20, इसमें कल रेसिप्रोकल प्रॉमिस इससे बाकी था. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मतलब प्रॉमिसेस विच फॉर्म यानी बिकम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी दोनों सामने सामने प्रॉमिस करें उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बने. जैसे कि अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन कंसिडरेशन ऑफ बीज प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ये ने जोन्स वर्सेस बार्कले के केस के अंदर उसको तीन कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया है. देखो ध्यान दो, एक तो म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. सवाल कि व्हेन ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म इज प्रॉमिस इंडिपेंडेंटली, ये म्यूचुअल का मतलब क्या, परस्पर सामने सामने, और इंडिपेंडेंट मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, कंडीशनल और डिपेंडेंट भी हो सकती है, और म्यूचुअल और कॉन्करेंट भी हो सकती है. तीन चीजें इसके अंदर. तो सबसे पहले क्या देखिए, म्यूचुअल और डिपेंडेंट. जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि ए एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन 10th में एंड बी एग्रीज टू सप्लाई द गुड्स ऑन 5th में, ये म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, बराबर ना? जबकि कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब एक पार्टी की प्रॉमिस दूसरे पार्टी के प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती हो. ये कंडीशनल, तुम ये काम करोगे तो मैं तुमको ये काम करके दूंगा, ये कंडीशनल और तुम्हारे पे डिपेंडेंट है. जैसे यहाँ लिखा गया है कि द प्रॉमिस सॉरी ए प्रॉमिस इज टू सप्लाई गुड्स टू बी इफ बी पेस इट्स प्राइस इन एडवांस, अगर एडवांस में पेमेंट करोगे तो तुमको मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा. तो ये क्या हो गया, कंडीशनल डिपेंडेंट. मतलब जब तक तुम एडवांस में पेमेंट ना करो वो कंडीशन है, और तुम पे करो बाद में मैं करूँ तो वो तुम्हारे लिए डिपेंडेंट हो गया. हियर ए नीड नॉट सप्लाई द गुड्स इफ बी फेल्स टू पे द प्राइस इन एडवांस. फिर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब साथ में चलने वाले. वेयर द प्रॉमिसेस ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली आर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रॉमिसेस. जैसे कि सेल गुड्स फॉर कैश, कॉन्करेंट साथ में पूरा होता है. मैं तुमको कोई चीज दे रहा हूँ उसके सामने तुम मुझे कोई चीज उसी वक्त या तो पैसे दे रहे हो, तो कॉन्करेंट हो गया. अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस के रूल्स क्या है, तो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये साथ में की जाती है, बराबर है? द प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रोमिसेस आर रेडी, प्रोमिसी आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस. जब तक सामने वाला रेडी ना हो तब तक हम भी अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए प्रोमिसेस टू सेल गुड्स टू बी ऑन पेमेंट ऑफ कैश एंड इन दिस केस ए नीड नॉट डिलीवर गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे इट्स प्राइस अगेंस्ट डिलीवरी. सीओडी वाले सब ट्रांजेक्शन ऐसे जो होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाले. उसके बाद में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वेयर द ऑर्डर इन विच द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो द प्रॉमिसेस मस्ट बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर. जैसे कि लिखा गया है कि पहले घर बनाओ फिर पैसे दूंगा, तो पहले घर बनाना जरूरी है बाद में पैसे मिलेंगे. तुम इससे पहले पैसे मांगोगे तो वो गलत है, बराबर ना? इसी तरह से आप देखते हो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 25 का एडवांस में देने का, 50 का प्लिंथ लेवल वाला जाए उसके बाद में देने का, पहला स्लेब भर जाए उसके बाद में 95% पूरे हो जाने चाहिए, और उसके बाद में लास्ट में बाकी का पेमेंट पजेशन के टाइम पैसा. ये कंडीशन होगी तुम्हारी. फिर इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग अनदर फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस. मैंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया, बराबर, कि तुम मेरा घर पेंट कर देना. अब तुम पेंटिंग का सामान लेके भी आए पर मैं तुमको घर खाली करके नहीं दे रहा हूं,
बार बार तुम मुझे बोलते हो कि घर खाली करके दो तो मैं पेंटिंग चालू करूँ, घर खाली करके दो तो पेंटिंग चालू करूँ, लेकिन मैं तुमको घर खाली करके नहीं दे रहा हूँ। यानी तुम्हारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना मैं एकदम डिफिकल्ट या तो इम्पॉसिबल जैसा बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं तुमको प्रिवेंट कर रहा हूँ तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए। तो अब मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूँ कि तुम अगर चाहो तो काम करोगे, नहीं चाहो तो निकल जाओगे। अब ये मैं तुम्हारे दया के सहारे जीता हूँ वैसा समझे, समझे ना। लेकिन इसमें साथ में ये भी है कि अगर उसने सामान खरीद लिया, तुमने उसको बोला कि तुम मेरा घर पेंट कर, तुम उसने सामान खरीद लिया तो सामान का पैसा तुमको देना पड़ेगा। भले उसने एक भी दीवार के ऊपर एक पीछी भी नहीं लगाई हो तो भी, क्योंकि तुम्हारे प्रॉमिस के बेस के ऊपर उसने खर्चा किया है ना। इसलिए फिर इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रॉमिस टू बी परफॉर्म फर्स्ट, मैंने तुमको बोला कि तुम ये काम करके दो तो मैं तुमको पैसे दूंगा, मैं तुम मेरा पिक्चर बना के दो तो मैं तुमको पैसे दूंगा, तुमने पिक्चर बनाया नहीं, तो जब तक तुमने काम पूरा नहीं करा तो मैं अपनी प्रॉमिस कैसे कर सकता हूँ। तो पेमेंट एडवांस में करने का बोला हो, अगर सामने वाला पेमेंट एडवांस में नहीं करेगा तो ये तुम पे डिपेंड करता है अब कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को चालू रखो या रद्द करो, बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नया ऐड हुआ है। अब आता है कंसिडरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कोई चीज रिटर्न में मिलना या तो देना। इसमें रूल्स अपने को समझने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल, अंडरलाइन करो, इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी प्रॉमिस हो वो सपोर्टेड होनी चाहिए कंसिडरेशन के साथ। ऑल दो देर आर सम एक्सेप्शंस बट जनरली एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या? प्रॉमिस और अंडरटेकिंग विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड इज वॉइड। और वो क्या है वॉइड? यानी बिल्कुल रद्द। इन टेक्निकल टर्म कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्वो, इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न। याद रखना ये पूछा जाएगा, न्यूडम पैक्टम भी और क्विड प्रो क्वो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। कोई भी पार्टी कोई भी एग्रीमेंट करती है, कोई भी प्रॉमिस करती है तो समथिंग इन रिटर्न जरूर मांगती है। इफ इट डज नॉट गेट समथिंग इन रिटर्न तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? वॉइड हो जाएगा। दिस समथिंग इज डिफाइंड एज कंसिडरेशन, इसी को अपने क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ पोलो, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विद द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बोर। यानी मैं तुम्हारी प्रॉमिस खरीदने के लिए सामने से कीमत दे रहा हूँ, एंड द प्रॉमिस डज गिवन फॉर वैल्यू इज इन्फोर्सिएबल। और जो भी प्रॉमिस दी जाए उसको अपने इन्फोर्सिएबल बनाएंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे ऐसा। अब एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल इज कार टू बी फॉर ₹20,000। प्राइस 20,000 यहाँ पे कंसिडरेशन ए के लिए और कार जो है वो कंसिडरेशन बी के लिए। अब इसी तरह से बी प्रॉमिसेस टू पे 100 टू ए एंड गेट्स नथिंग इन रिटर्न, और उसके सामने कुछ भी नहीं मिलता तो यहाँ कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, तो उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। किसी को फ्री में कोई चीज दे देना विदाउट कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता इसमें। अब वैल्यूएबल कंसिडरेशन, क्यूरी वर्सेस मीसा, इसमें ने लश जे यानी जस्टिस उसने ये बताया कि ही ऑब्जर्व दैट इन एनी ट्रांजेक्शन वन ऑफ द पार्टी इज एट लॉस और अनदर पार्टी इज एट गेन। तो ये जो बेनिफिट मिलता है वो गुड कंसिडरेशन। मैं अगर तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम पैसे मुझे दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा कंसिडरेशन क्या पैसा, तुम्हारे लॉस है, लेकिन मेरा भी क्या एफर्ट जो जा रहा है उसका लॉस है ना। तो दोनों को बेनिफिट मिलता भी और दोनों कुछ ना कुछ गंवाते भी है। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट अदर इन सम राइट और इंटरेस्ट। कोई हक मिलता है तुमको, इंटरेस्ट का मतलब उसके अंदर कोई चीज यूज करने की मिलती है तुमको, प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट जो एक पार्टी को मिलता है, और दूसरे उसी जगह पे जो सामने वाला तुमको बेनिफिट दे रहा है ना वो बेनिफिट देने वाला कुछ चीज लूज करेगा, जिसमें फॉरबेरेंस आता है। फॉरबेरेंस का मतलब कोई चीज से अलग हो जाना, दूर हो जाना। डेट्रीमेंट यानी त्याग, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर, यानी एक इंसान का लॉस दूसरे का फायदा है। द अबव डेफिनेशन सेज दैट कंसिडरेशन मस्ट रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड अ डेट्रीमेंट और लॉस टू द प्रोमिसी और अ डेट्रीमेंट टू बोथ। किसी को फायदा किसी को नुकसान है तो दोनों को नुकसान भी हो सकता है इसमें। व्हेन ए लेंड्स हिज बाइसिकल टू बी एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न इफ आफ्टर यूज, इट आएगा इफ नहीं है इट आफ्टर यूज, दिस रिजल्ट्स इन अ बेनिफिट टू बी
he gets the use of bicycle in a detriment to A. He does not use bicycle. This is consideration to support B's promise to return the bicycle. यहाँ पे कंसिडरेशन क्या मिलता है? मैंने सामने वाले को रेंट दिया, बराबर, साइकिल का रेंट दिया, तो रेंट उसका कंसिडरेशन है, और मुझे साइकिल चलाने को मिली, वो मेरे लिए कंसिडरेशन है. अकॉर्डिंग टू जस्टिस पैटरसन, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ. कोई चीज कीमती होने फिर चाहे सही हो या गलत, वो नहीं देखने का, पर वो तुम्हारा याद रखना, ही मे इट मे बी सम बेनिफिट टू द प्लेंटिफ. प्लेंटिव का मतलब अर्ज करता, अर्जी करने वाला, उसको प्लेंटिव बोला जाता है. और डिफेंडेंट का मतलब बचाव पक्ष, अपना बचाव करने वाला. टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट द फॉलोइंग केस इज वेरी यूजफुल. केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. केदारनाथ प्रॉमिस टू सब्सक्राइब ₹500. ये बहुत सिंपल सा केस है. इसमें क्या बताया गया कि ₹500 उसने देने का वादा किया कि मस्जिद बनाने का खर्चा है ना ₹500, मैं तुमको चैरिटी के इसके अंदर पैसे दूंगा, यानी मैं तुमको उसका पैसा दूंगा मस्जिद के लिए. अब मस्जिद के लिए पैसे जब लेने के लिए गए, उसके बाद उसने मना कर दिया. पर यहाँ पे जिस इंसान ने वादा किया था, उसके वादे के ऊपर सामने वाले मस्जिद के ट्रस्ट वालों ने क्या किया था, उसके वादे के ऊपर डिपेंडेंस रख के उसने मस्जिद बनाना शुरू कर दिया था, और उसने सामान ला के रखा था. तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो चैरिटी की बात कर रहा था, और चैरिटी में थोड़ा कंपलसरी होता है. पर तुम्हारे प्रॉमिस के ऊपर अगर सामने वाले ने कोई ना कोई सामने दूसरे को प्रॉमिस कर दिया हो ने, तो तुम्हारी प्रॉमिस फिर उसके बाद में तुमको पूरी करनी पड़े. तो यहाँ पे एक केस हार गया, उसको ₹500 देने पड़े, बराबर ना. कलकत्ता हाई कोर्ट का था एक केस. द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड बिकॉज इट रिजल्टेड इन सफिशियंट डेट्रीमेंट टू द सेक्रेटरी. इट बिकेम एनफोर्सेबल बिकॉज द सेक्रेटरी सफर्ड डेट्रीमेंट ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस. उसको नुकसान हुआ ना डेट्रीमेंट, यानी किसको, सेक्रेटरी को. क्या नुकसान हुआ? उसने कोई चीज परचेज करने का किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो. अब ये वाला देखो, ये डेफिनेशन 2D में, ये 2D याद रखना है हमको. तो मैथ द फॉलोइंग में लॉ में पूछा गया था, मैं जब LLB करता था ना, तब 5 मार्क का मैथ द फॉलोइंग, ये सारे 2A B C D E तक पूछा था 5 मार्क का. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, पहले किया, यानी past consideration हो गया. कोई चीज past में की जाए, जैसे मैं पहले पैसे दे चुका हूँ तुमको, तुम्हारा काम करने का बाकी है, तो मेरा consideration past हो गया. तुम्हारा काम बाकी है, तो तुम्हारा consideration future हो गया. लेकिन दोनों सामने सामने अभी के अभी खत्म करें ना कोई transaction को, तो ये present हो गया. और does or abstains from doing, यानी present, और प्रॉमिस इज टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी फ्यूचर. प्रॉमिस करेगा तो फ्यूचर के लिए, अभी कर रहा है तो प्रेजेंट के लिए, कर चुका है तो वो पास्ट के लिए. सच इन एक्ट और एब्सटेंस, एब्सटेंस मतलब कोई काम ना करना, और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिसिंग. अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं देखो, तुम्हारे पास एग्जैक्टली बताया गया 3 चीजें. पहले तो एक्ट, कोई काम करना, यानी एफर्मेशन हुआ, यानी पॉजिटिव वे, मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, तुम भी कोई काम कर लो. लेकिन दूसरे में लिखा है एब्सटेनेंस और फोरबेरेंस, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा तो तुम मुझे पैसे दोगे, जैसे मैं तुम्हारे पे केस ना करूं उसके मुझे पैसे मिले. तो ये क्या हो गया, एब्सटेनेंस हो गया, मतलब मैं तुमको रोक रहा हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो कि तुम ये ना करो, तो ना करने वाला जो है ना उसको एब्सटेनेंस बोला जाता है. और तीसरा था रिटर्न प्रॉमिस, दोनों सामने सामने प्रॉमिस करें, मैं तुमको ये चीज बेचने के लिए रेडी हूँ, तुमसे ये चीज खरीद, यानी लेन देन वाला, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं. इसमें भी एग्जाम्पल दिया है, नेक्स्ट पेज पे देखो. ए एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर ₹10,000. हियर बी प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 10,000 इज द कंसिडरेशन फॉर एस प्रॉमिस टू सेल द हॉर्स, है ना. एक जन को घोड़ा चाहिए, तो घोड़ा सामने वाले के लिए कंसिडरेशन है, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, ₹10,000, जिसके सामने मैं घोड़ा बेचूंगा. अब सवाल, नीड फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि याद रखो पैसे के बिना किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट को सीरियस नहीं माना जाता, और वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करे. मैं तुमको कोई चीज मफत में देने वाला हूँ और मैं ना दूँ तो तुम क्या केस करोगे? लेकिन अगर पैसे से तुमने मेरे पास से कोई चीज खरीदी, वो चीज गलत निकली, तो तुम उस पैसे का मुझे मेरे पास रिवॉर्ड मांगोगे ना, या तो रिटर्न मांगोगे या तो कॉम्पनसेशन मांगोगे. तो ये जरूरी कब बन जाता है कि पैसे से करोगे ना तो ही ये चीज तुम करवा पाते हो, नहीं तो अदरवाइज ये चीज हो ही नहीं पाएगी तुमसे.
इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर शैल बी प्राइस एंड विदाउट प्राइस देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ डज नॉट इंक्लूड ग्रेचुइटीज, यानी मतलब खाली अपनी मर्जी से किया जाने वाला विदाउट एनी मनी, वो एक्ट को नहीं माना जाता। और वॉलंटरी प्रोमिस, बिकॉज सच प्रोमिस आर ऑफन मेड रैशली एंड विदाउट ड्यू डेलिबरेशन। रैशली यानी कोई मर्जी के बिना और ऐसे ही खाली बोल दिया जाता, बराबर में। सो प्राइस इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द प्रोमिस गिवन बाय द पार्टीज। प्राइस मे बी पेड इन मनी और अदर देन मनी, बट इट मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। या तो पैसे दो या पैसे बिना की बात करो, कोई चीज दे दो उसको, सामने वाले को, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड। वॉइड यानी वो एप्लीकेशन में नहीं आ सकता, वो अमल में नहीं आ सकता। इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस विदाउट कंसिडरेशन। वैसे भी सामने सामने की प्रॉमिस में कंसिडरेशन तो होता ही है। सो कंसिडरेशन इंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। यानी इससे तुम जो भी एग्रीमेंट है उसको बराबर अमल में ला सकते हो, क्योंकि पता है तुमको कि अगर प्रॉमिस नहीं किया सामने वाले ने कुछ देने का, तो इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। ओके, अब शरत ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस स्टेट। एन ऑफर मेड कंटेनिंग अ प्रॉमिस टू रिवोक इट एंड कीप इट ओपन डज नॉट प्रिवेंट द ऑफरर फ्रॉम रिवोकिंग द ऑफर इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ कि भाई ये स्कीम चालू रखना ने, तो मैं उसको बोल देता हूँ हाँ चल चालू रखूंगा तेरे लिए, क्या है, पर मैं गलत बंद कर देता हूँ, तो वो मुझे नहीं बोल सकता। लेकिन अगर हाँ वो मुझे एडवांस लेके गया हो और बोल के जाए कि तुम चालू रखना, तो मुझे वो स्कीम चालू रखनी पड़ेगी। रिवोक का मतलब कैंसिल करना। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 100% ये बार एग्जाम में 15 मार्क का तुम्हारे आएगा आज। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन, 15 मार्क का क्वेश्चन है ये। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसमें दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का केस, पर पहले मैं समझा दूं इसका मतलब क्या। एनी एक्ट कंस्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर विलिंगनेस और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। जिसके पास से पैसे लेने उसी के पास से आगे बढ़ना है, बराबर। अब कोई बेटा जाके बोले कि मेरे को स्कूटर दे दो, मेरे पापा पैसे दे जाएंगे, बराबर ना। अब प्रॉमिस करके कौन आया बेटा, पैसे देने वाला कौन है, बाप। तो ये प्रॉमिसर कौन होना चाहिए, जो प्रॉमिसर है ना यहाँ पे बाप है सही में तो, क्योंकि प्रॉमिस उससे मिलना चाहिए पैसा देने का। लेकिन कोई दूसरा भलता जाके दे के आए तो गलत हो गया ना। अगर ऐसा राइट होता ना तो समझ लो सारे के सारे फ्रॉड के ट्रांजेक्शन तुम्हारे लीगल हो जाते। लोग ऐसा करते ना, क्रेडिट कार्ड से कोई दूसरा पैसे उठा लेता है, कोई दूसरा परचेस कर लेगा। तो प्रॉमिसर कौन होना चाहिए, जिसका क्रेडिट कार्ड है वही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई भी प्रॉमिस करे वो नल एंड वॉइड हो गया, समझे। तो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा है कि कंसिडरेशन शुरू कहाँ से होना चाहिए, प्रॉमिस सर के पास से शुरू होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत मस्त केस दिखाएगा, देखो। बी यानी बलदेव ने स्पेंड किए कुछ पैसे मार्केट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एट द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेकिन बोला किसने था, कलेक्टर ने बोला था। अब यहाँ पे एक दुर्गा प्रसाद था, उसने ऐसा बोला कि काम खत्म हो जाए तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अब यहाँ प्रॉमिस किसने किया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। तो ये दुर्गा प्रसाद बाद में मुड़ के गया, मैं क्यों पैसे दूँ, मैंने बोला था ये काम करने का, किसने बोला था, कलेक्टर ने, जो उसके पास से पैसे ले। तो वो सही है दुर्गा प्रसाद, बलदेव के हार गया, बात समझे इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर प्रॉमिस किसकी तरफ से थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से। तो पैसे तुमको कलेक्ट किसके पास से करने चाहिए, कलेक्टर के पास से करने चाहिए। अब तुम बलदेव के पास से, सॉरी बलदेव अगर दुर्गा प्रसाद के पास से पैसे मांगे तो गलत है, क्योंकि वो प्रॉमिसरत नहीं है इस केस के अंदर, बराबर। अब ये वाला बहुत जबरदस्त दूसरा आता है। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अंडर इंडियन लॉ इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव ओनली फ्रॉम द प्रोमिसी। अंडर द इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर। कंसिडरेशन फर्निश्ड बाय थर्ड पार्टी विल ऑल्सो बी वैलिड इफ इट हैज बीन डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सो स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो स्यू बट ओनली इफ ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन बोला जाता है, ये अंडरलाइन करो। मतलब इसका इंग्लिश लॉ में कैसा है कि प्रॉमिसी के सिवा दूसरा कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं करना चाहिए, मूव कहाँ होना चाहिए, खाली प्रॉमिसी के पास, ऐसा लिखा है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, बराबर ने। अपने यहाँ पे लिखा गया है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम
प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसीलिए ये केस आया जबरदस्त केस है, चिन्नैया वर्सेस रामैया, जबरदस्त केस है। एन ओल्ड वुमन, उसने क्या किया, वसीयत में लिखा कि मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पे कर रही हूँ, बराबर, बट उसको बोला गया कि तुमको अपनी आंट यानी मतलब उसकी मासी को पैसे देने पड़ेंगे, एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एनुअली, द सेम सेम डे डी एग्रीमेंट कर दिए, किसके साथ में, पी के साथ में, टू पे हर द एग्रीड अमाउंट, उसने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। लेटर डी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑन द प्ली दैट नो कंसिडरेशन इज मूव फ्रॉम पी टू डी, पी वॉज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट एज कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम द ओल्ड लेडी टू द डॉटर, कंसिडरेशन कहाँ से कहाँ गया था, ओल्ड लेडी से डॉटर की तरफ गया था। अब यहाँ पे पी का नाम उसके अंदर मेंशन किया हुआ था कि तुम इसको पैसे दोगे, अगर नाम मेंशन नहीं किया होता, वर्बल प्रॉमिस होता तो शायद ना भी होता, बराबर। कंसिडरेशन तीनों चीजें हो सकती है, एक्ट कोई काम करना यानी पॉजिटिव, फॉरबेरेंस यानी कोई काम ना करना यानी नेगेटिव, और रिटर्न प्रॉमिस भी हो सकती है यानी सामने सामने, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं ना वैसा। अब एक्ट की यानी क्या, एक्ट का मतलब जैसे बताया मैंने डूइंग ऑफ समथिंग, और फॉरबेरेंस का मतलब नॉट डूइंग समथिंग, और रिटर्न अ प्रॉमिस। इट मे बी नोटेड दैट द फॉलोइंग आर गुड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले लिखा गया है फॉरबेरेंस टू सू इफ अ पर्सन, मैंने तुमको बोला कि मैं तुम पे केस कर दूंगा, बराबर, तो तुम मुझे रोक सकते हो कि चलो तुम्हें ने तुमको इतना नुकसान हुआ ना, मैं इतना नुकसान देने के लिए तैयार हूँ, केस वेस कहाँ करते हो, केस मत करना, तो ये रोकने का कंसिडरेशन पैसे देके किया जा सकता है, बराबर, ये फॉरबेरेंस हुआ मतलब नेगेटिव। जैसे यहाँ लिखा गया है कि ए बोरोस ₹10,000 फ्रॉम बी एट 20% पर एनम, लेकिन वो उधार लेने के बाद भूल जाता है, पैसे देता नहीं है। व्हेन बी इज अबाउट टू फाइल अ सूट, अब बी एन उसके लिए केस करने जा रहा था, बराबर, तो ए एग्रीज टू पे अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसने क्या बोला कि मैं तुमको ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, बी एज ए रिजल्ट डज नॉट फाइल द सूट, तुम 20% की बात मत को, मैं 24% दे दूंगा, बस खाली केस मत करो। तो केस रोकने के लिए उसने परसेंटेज बढ़ा दिए, तो जो 4% का कंसिडरेशन उसको मिलने वाला है, जो अभी नहीं मिलेगा बाद में, पर रोकने के लिए उसने कंसिडरेशन दिया ने, तो ये वैलिड कंसिडरेशन है, बराबर ने। कंप्रोमाइज ऑफ अ डिस्प्यूटेड क्लेम, कंप्रोमाइज का मतलब सेटलमेंट करना जिसको बोलते हैं ना, वो ये भी गुड कंसिडरेशन है। जैसे कि मैं तुम्हारे पास से 5 लाख रुपए मांगता हूँ, तुम बोलते हो मैं 4 ऐसी देने के लिए रेडी हूँ, तो 4 ऐसी गुड कंसिडरेशन है। मैं तो बोलता हूँ तुम आधे पैसे देने के लिए रेडी हो और मैं मान जाता हूँ, तो भी क्या हो गया, कंप्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम, वो भी गुड कंसिडरेशन के अंदर आ जाता है। कितना पैसा दिया ने वो मायने नहीं रखता, तुम माने कि नहीं माने वो मायने रखता है। कंपोजिशन विद क्रेडिटर, अ डेटर हु इज फाइनेंशियली वीक मे मीट इज क्रेडिटर एंड रिक्वेस्ट हिम टू एक्सेप्ट अ लेसर अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेट। देखो उसमें तो क्या था, उसमें तेरे पास पैसे थे, तू मुझे पैसे नहीं दे रही थी, बराबर, लेकिन यहाँ पे तेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं उसके बाद में क्या कहूँ, जा माफ माफ कर दिया उसको, एक भी पैसा मुझे नहीं दिया तेरे से, तो ये भी गुड कंसिडरेशन। फिर बाद में तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुमने एक बार लिख के दे दिया, तुम्हारा सारा सारा आगे पीछे का कर्जा मेरी तरफ से माफ, एक बार लिख के दे दिया, उसके बाद में तुम ऐसा नहीं बोल सकते, रुपया दिए बिना माफ कैसे करूं, ये तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या हो गया, तुम्हारा कंपोजिशन विद क्रेडिट हो गया, समझे। ये तीन चीजें याद रखना। फिर ये भी मैं आगे समझा चुका हूँ, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर यानी जिसको एग्जीक्यूटर ही बोलते हैं, प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, बराबर। अब देखो कंसिडरेशन पास्ट में कैसा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा गया कि ए डज सम वर्क, जैसे कि लिखा है कि लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ बी पर मंथ, नौकरी वाले सारे के सारे कंसिडरेशन पास्ट होते हैं, 1 महीना तुमने काम किया, 1 महीने बाद तुमको पगार मिलेगा, बराबर ने। अभी मेरे अभी समझो कि लड़की के लिए स्कूटर लिया, मैंने एक जन को बोला कि तुम जाके ना उसको दे आना अहमदाबाद जाके, तो जाएगा आएगा फिर मैं पैसे दूंगा ना उसको, तो ये उसने काम कर दिया, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंसिडरेशन हो गया, बराबर ने। अब प्रेजेंट या तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, ये क्या, रोकने में पानीपुरी वाला, पानीपुरी खाते हैं तुरंत पैसे दे देते हैं, पर इसमें तुम ऐसा मत बोलना कि मैंने खाली बाद में पैसे दिए, भाई उसी वक्त दिए,
तुम अगर बोलो कि कल पैसे देता हूँ तो फिर बात हो गया है तुम्हारे लिए पास्ट कंसिडरेशन। यहाँ लिखा गया है कि ए रिसीव्स रुपीज 100 एंड प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट होम, द मनी ए रिसीव्स इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। और अगर एग्री करता है कि 10 हजार रुपये के अंदर हम कार बेचेंगे और बी उसके पैसे दे देता है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, पैसे दिए उसी वक्त खत्म हुआ तो प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर या तो एग्जीक्यूटरी, ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं ना सर कैसे होते हैं फ्यूचर वाले, किसके कंस्ट्रक्शन के। मकान लिया तो मकान का पजेशन तो बन जाएगा बाद में मिलेगा ना, राइट। व्हेन द कंसिडरेशन फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर इज टू पास सब्सिक्वेंटली टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इज फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी। अभी नहीं बाद में, जैसे मैंने बोला तुमको मैं पैसे दे रहा हूँ लेकिन तुम मेरा पेंटिंग बाद में बना के दोगे, तो ये जो पेंटिंग बाद में बनेगा वो मेरे लिए फ्यूचर, लेकिन तुमको मैंने अभी पैसे दिए वो तुम्हारा प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। अब कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट है जो, बराबर ना। तुम बोलोगे 5 हजार की चीज साला 500 में लेके चला गया तो उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, जो बेचने वाला उसकी प्रॉब्लम है, उसने पैसे तो दिए ना और वो सेटिस्फाइड है, बात खत्म। इसलिए डिस्काउंटेड प्राइस वाली कोई भी चीज लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता क्या, अरे 1 हजार में तीन तीन पैंट ये पूरे रोड पे दे देते लोग, 1 हजार में तीन पैंट, 999 में तीन, बराबर नहीं। फिर 999 में जो तीन पैंट मिलती है तो अपने लगे 333 रुपये की एक पैंट कैसे हो सकती है, ये कंसिडरेशन एडिक्वेट हो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। पर वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि ए से एग्री टू सेल इज टेबल टू बी फॉर ₹200 विच इज वर्थ ₹500, 500 की जिसको 200 में बेचने के लिए तैयार हो गया, तो एडिक्वेट है कि नहीं वो नहीं देखना है, लेकिन अगर एग्री हो गया है दोनों पार्टी तो यहाँ पे क्या हो गया वो कंसिडरेशन गुड वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी। खाली ऐसा बोलू ना कि तू एक काम कर, तू मेरा काम कर दे खाली, फिर इसके बाद में देख तेरे को मैं पैसे से नहला दूंगा, तो ये कंसिडरेशन इल्यूजरी है। यानी इल्यूजरी का मतलब क्या, आभासी, बराबर नहीं, खाली बताना ऐसा कर दूंगा ये नहीं होता, बराबर। तो ये देखो ये लिखा गया है इसमें कौन कौन से, एक तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, मैं बोलूँ मरे हुए आदमी के अंदर जान फूंक देता हूँ 5 लाख रुपए दे, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। दूसरा लीगल इम्पॉसिबिलिटी, मैं बोलूँ उसका खून कर देता हूँ 5 लाख रुपए दे, लीगली इम्पॉसिबल है ये। तीसरा अनसर्टेन कंसिडरेशन, मैंने तुमको बोला कि मैं तेरे को पैसे से नहला दूंगा, ये अनसर्टेन कंसिडरेशन। और इल्यूजरी कंसिडरेशन का मतलब क्या, यही इल्यूजरी जैसे मैंने बोला वैसा है, मैं तुमको जा खुश करने वाला कमीशन दे दूंगा, ये खुश करने वाला क्या है, ये कंसिडरेशन का कोई मतलब नहीं होता है, बराबर ना। अब ये बहुत जबरदस्त चीज है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। अब वकील को मैंने बोला कि तू मेरे लिए केस लड़, उसने बोला मेरी इतनी फीस है, बराबर। अब मैंने उसको बोला कि एक काम कर तू केस लड़, मैं अगर जीत गया ने तो मैं तुझे उसके अंदर से ने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी ला के दे दूंगा, उसके प्रॉमिस कर देता हूँ कि 10 हजार तेरे को एक्स्ट्रा दूंगा, फिर बाद में मैं मुकर जाता हूँ, तो वकील मेरे पे केस नहीं कर सकता क्योंकि वकील को मैंने पूरी फीस दे दी है। वो काम उसका काम क्या है, मेरे लिए केस जीतना, वो केस अगर जीतेगा तो कोई मेरे पे एहसान नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है, ऑलरेडी जो काम उसको करना था उसने वही काम किया है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, तो इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे देने की जो बात करता हूँ अगर वो रिटर्न नहीं होगा तो मैं मुकर जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा। ये झाड़ू वाला आता है ना यहाँ पे, इसको बोला भाई ये बराबर साफ कर देना, तेरे को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, और साफ कर ले उसके बारे में बोल दूंगा, मैं रुपया भी नहीं दूंगा, क्योंकि झाड़ू वाले का काम है ये जगह को साफ रखने का है, सफाई वाला जो आता है उसका काम क्या है, ये जगह को साफ रखना, और अगर वो साफ कर रहा है तो वो अपनी ड्यूटी बराबर कर रहा है, और अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा पैसे देने की बात करूँ तो बिल्कुल गलत है ऐसा। अब ये भी आता है देखो दूसरा, ये कॉलिंस वर्सेस गॉड फ्रॉनी का केस था, यहाँ लिखा गया देखो एक बहुत जबरदस्त चीज है, कोर्ट से समन्स आता है, इसका मतलब तुमको कोर्ट में हाजिर रहना है, समन्स का मतलब बुलावा, तुमको बोला गया तुमको कोर्ट में ये तारीख को हाजिर रहना है, तुम जाते नहीं, फिर मैं घंटाल गया तुम्हारे सामने, केस मेरा है, बुलाया तुमको क्या तुम आते नहीं, हर बार तारीख बढ़ती रहती है, मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ भाई तुम आ जाओ ना 50 हजार रुपये दे दूंगा, तुम आ गए गवाही दे दी मैं केस जीत गया, उसके बाद में तुम पैसे मांग लो ठेंगा, क्योंकि कोर्ट का समन यानी क्या हुआ, तुमको जाना पड़े,
और इसके लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मेरी मर्जी की बात है, दो या ना दो मेरी मर्जी की बात, समझे। फिर आता है उसके बाद में, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल और इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोई भी कंसिडरेशन जो भी होता है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब क्या? कानून जिसको ना माने, जैसे यहाँ पे मैं कंसिडरेशन देता हूँ, जा एक काम कर, मैं तेरे को 5,000 रुपये देता हूँ अशीर, 5,000 रुपये दारू की बोतल लाके दे, ये गुजरात में क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है, समझे ने। तो ये कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया, पहली बात। दूसरी बात, फ्रॉड्यूलेंट, धोखा देने के लिए दो जन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आधा आधा बांट लेंगे, उसके घर में चोरी करते हैं, आधा आधा बांट लेंगे, कहाँ से कंसिडरेशन हुआ ये? किसी की इंजरी करना, मैं ऐसे को पत्थर देता हूँ, 500 रुपये मिलेंगे, सामने वाले कांच पे पत्थर मार, कांच तोड़ देना है तेरे को गाड़ी पे, बराबर। तो ये भी क्या है? किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करने का कंसिडरेशन। एंड लास्ट वाला, जिसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है, ये तो इमोरल बोला जाता है। जैसे कि एक सीधा सा एग्जाम्पल, मैं किसी के साथ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूँ, देख तेरी वाइफ को तलाक दे दे, मेरे को उससे शादी करनी, तेरी वाइफ मेरे को बहुत पसंद आ गई है, बराबर, तू उसको तलाक दे दे, उससे शादी कर लूंगा, तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। तो ये इमोरल है, ये गलत चीज है, ऐसे किसी के घर बर्बाद नहीं किए जाते, बराबर ना। ये इमोरल का मतलब पब्लिक पॉलिसी के अपोज में ये। अब आता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, डिस्कस द रूल विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी अपवाद, तुम अगर पैसे के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे वॉइड है, पर कुछ जगह पे नहीं है, कुछ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाते हैं। देखो, डिफाइन कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द रूल एनी एक्सेप्शन इफ एनी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंसिडर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। टेक्निकल टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन कैसे यूज किया जाता है, क्विड प्रो को, वो सब आगे सीख चुके हैं, वो सब रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। लेकिन है नहीं, ये देखो सेकेंड नेक्स्ट पेज के ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है, द जनरल रूल इज एक्स न्यूडो पैक्टो नन ऑरिटूर एक्टियो, यानी नो एक्शन अराइजेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, बराबर, ये इसका मतलब है। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 25 और 185 इसमें डील करते हैं। 25 में तो क्या बताया गया है कि अगर लव एंड अफेक्शन है ना, तो उसमें अपने क्या करेंगे, मैं आप अभी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसको डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लव एंड अफेक्शन, फिर कॉम्पनसेशन फॉर वॉलेंटरी सर्विस। अब पहली बात, लव एंड अफेक्शन, फादर सन को बोलता है कि तू एग्जाम में पास हो गया ना, तेरे को बाइक दिला दूंगा 1.5 लाख वाली, बराबर। सन बोलता है कि नहीं तुम पे भरोसा नहीं है, रजिस्टर करो इसको, फादर ने और सन ने मिलकर उसको रजिस्टर करवा दिया। अब यहाँ पे देखो कंसिडरेशन क्या है, बेटा क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं, रिजल्ट दे रहा है ना, तो रिजल्ट कंसिडरेशन थोड़ा हुआ। तो बेटे की तरफ से कुछ ना मिलते हुए भी अगर लव एंड अफेक्शन के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट अगर तुमने किया है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया तुम्हारा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले कंसिडरेशन नहीं है लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन है, इसलिए। इसी तरह से देखो, हिंदू हस्बैंड आफ्टर अ क्वारल, लड़ाई के बाद में अपनी वाइफ से एग्री हो जाता है कि मैं तुमको चलो मेंटेनेंस का पैसा दूं, हाउएवर वाइफ उसके सामने कोई हस्बैंड को कंसिडरेशन नहीं दे रही, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए लव एंड अफेक्शन होना चाहिए ऐसा लिखा है। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, दोनों अलग हो गए, भले तलाक नहीं हुआ लेकिन प्यार मोहब्बत वाली कोई चीज नहीं बची है, एक दूसरे का मुंह देखते हैं ना तो गाला वाली करना चालू कर देते हैं, ऐसी खराब हालत है, कभी तो मारामारी में भी उतर आते हैं। तो ऐसी खराब सिचुएशन के अंदर लव एंड अफेक्शन जहाँ होता ही नहीं है, वहां तुम कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, वहां कंसिडरेशन चाहिए। फादर एंड सन के अंदर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसके अंदर लव एंड अफेक्शन है, फादर कभी सन को ऐसा नहीं बोलते तेरा तलाक, चला जा यहाँ से, समझा ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विस के लिए यहाँ पे समझो रास्ते में
कोई चीज मुझे मिल जाती है, मैं उसके ओरिजिनल मालिक तक वो चीज पहुंचाता हूँ। पेपर में ऐड पढ़ के क्या, मैं कि 500 का इनाम है, तो सामने वाला बोलेगा साला मेरी चीज मेरे को रिटर्न देने में, तो 500 का इनाम ले जाएगा, मैं नहीं देता। तो उसको देना पड़े पैसा, यहाँ विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं दिया, उसकी चीज वापस मैंने रिटर्न दी, फिर मुझे इनाम मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, वॉलंटरी सर्विस है। ये तो इसको बाड़े रखता नीचे जमीन पे, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा कैसे होता है, ये मकान जल रहा है बराबर, ये जल रहा है मकान, मैंने उसको आग से बचाने के लिए उसको फायर ब्रिगेड बुलाया, बुझाया सब, उसमें मेरा खर्चा हुआ। मकान मालिक बोलता है रुपया भी ना मिले, मैंने बोला था आग बुझा, पर ये क्या, उसके नुकसान को बचाने के लिए मैंने ये किया ने, इसलिए वॉलंटरी सर्विस है। और वॉलंटरी सर्विस किसी को नुकसान से बचाने के लिए अगर की गई होने, तो यहाँ पे उसका मिलेगा, अपने को कॉम्पनसेशन अपने मांग सकते हो उसके पास से, और वैलिड है, हम अगर केस करेंगे तो सामने जीत जाएंगे। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ये गजब चीज है। मैं तुमसे पैसे मांगता हूँ, समझो मैं तुमसे 10,000 रुपये मांगता हूँ, 3 साल उस बात को हो गए तब मैंने 10,000 रुपये दिए थे, और 3 साल के बीच में मैंने ना तुमको कोई रिमाइंडर भेजा ना कुछ, बराबर। अब 3 साल के बाद वो डेट है टाइम बार हो जाती है, इसका मतलब अब तुम मुझे कोई पैसे नहीं दोगे और ना मैं तुम पे केस कर सकता हूँ। 3 साल तक अगर मैं तुमको रिमाइंड करूँ, ना तुमको कोई फोन करूँ या कुछ, गया वो पैसा ऐसा डूब गया है, मैंने सोच लिया था। अब तुम्हारे अंदर खुदा जागता है और बोलता है नहीं यार, मुझे ना अपने पैसे दे देने चाहिए, तो तुम वो पैसे मुझे देने के लिए फोन करते हो कि अब परसों में तुमको पैसे दे जाऊं, तुमने मुझे बोल दिया, तो अब वो टाइम बार डेट है ना, वो तो पहले जीरो हो गई थी, अब यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन हुआ, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया तुमने किया है, तो वो टाइम बार डेट अब वैलिड हो गई। वैलिड होगी क्यों, वैलिड होगी क्योंकि तुमने एक बार प्रॉमिस कर दिया ना कब मैं 10,000 वापिस देने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए वैलिड हो गया, समझे ना। टाइम बार डेट याद रखना। फिर एजेंसी, किसी मैं इसको कोई चीज की एजेंसी दे रहा हूँ बराबर ने, अगर मैं कोई चीज की एजेंसी दे रहा हूँ, तो एजेंसी करने के टाइम के ऊपर जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसमें कोई पैसे की लेन देन नहीं होती है, मैंने खाली एजेंट बनाया उसको, तो इसमें कहाँ कंसिडरेशन मिलता है, तो एजेंसी भी विदाउट कंसिडरेशन होता है। और कंप्लीटेड गिफ्ट, मैंने समझो कि किसी को गिफ्ट दिया बराबर, तो गिफ्ट देने में सामने वाला मुझे खुद थोड़ा कुछ देगा, वो तो कुछ भी नहीं देने वाला है ना मुझे, तो ये जो गिफ्ट मैंने उसको दिया ना सामने वाले को, तो विदाउट कंसिडरेशन दिया, फिर 10 दिन बाद मेरे दिमाग में आता है कि नहीं यार मैंने उसको बेकार में गिफ्ट दे दिया, बुरे तो साला कमी ना इंसान है, तो मैं इसको पास मांगने जाऊं तो फिर वापिस नहीं देगा बराबर ने, वो वापिस नहीं देगा। फिर आता है ये चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, ये कब का है, वो केदारनाथ वाला भी जो समझाया, वो मस्जिद के लिए डोनेशन देने का वादा किया, बाद में वो मुकर गया, लेकिन याद रखो तुम कर सकते हो ऐसा, मैंने तुमको बोला कि तुम्हें ये करना, मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन तुमने अभी तक कुछ किया नहीं उसके सामने, तो मैं तुमको पैसे नहीं दूं तो चले, लेकिन अगर मेरी प्रॉमिस के बेस के ऊपर तुमने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर मुझे वो पेमेंट करना पड़े, समझ में आई बात, राइट। तो याद रखा, अपने कंप्लीट करते हैं। स्ट्रेंजर अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सुई, एक्सप्लेन। सुई नहीं बोलना, इसको स्यू बोला जाता है, स्यू स्यू यानी केस करना, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्रेंजर पार्टी है यानी कोई थर्ड पार्टी हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी ना हो 27, वो है ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केस नहीं कर सकती तुम्हारे सामने। इट इज अ जनरल रूल ऑफ लॉ दैट ओनली दोज पर्संस कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड हु आर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस दैट कोई भी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्यू नहीं कर सकता है। इन इंग्लैंड एंड इंडिया अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और कैन नॉट फाइल अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एंड स्ट्रेंजर मीन्स अननोन पर्सन और थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस रूल सेज दैट ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द राइट्स, यानी मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक हिस्सेदार हूँ, एक पार्टी हूँ, तो ही मैं अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकता हूँ, दूसरे बाहर के लोग नहीं कर सकते ऐसा, थर्ड पार्टी। तो कोई ना कोई लीगल कनेक्शन या तो लीगल स्टेटस उसका होना चाहिए, जिसको प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। प्रीविटी यानी पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल क्रिएट राइट ऑफ एक्शन टू द कंसर्न पार्टी। देर आर टू कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ दिस रूल, दो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसिस यानी रिजल्ट है। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इवन इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्ट्रेंजर,
इसीलिए उसको क्या बोले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पूछेंगे आपको अड़ी मार्क पे, व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द राइट और ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी पुट ऑन एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी किसी के ऊपर जवाबदारी नहीं इम्पोज कर सकते जो पार्टी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो जैसे ए और बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसमें ए अगर ने बी को कोई चीज टाइम पे देने के लिए ब्रीच करता है, यानी मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो सी या तो डी ए को सू नहीं कर सकता। ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस, डनलॉप टायर कंपनी वर्सेस सेल्फरिज एंड कंपनी लिमिटेड। डनलॉप बंद हो गई। डनलॉप टायर कंपनी है, रबर कंपनी एस वो टायर्स फ्रॉम डनलॉप रबर कंपनी। मैं तुमको केस समझा देता हूँ कि डनलॉप कंपनी से उसने एस ने यानी सेल्फ्रिज ने टायर खरीदे, उसमें डनलॉप ने बोला कि इस लिस्ट से कम में तुम पर टायर किसी को नहीं बेचोगे। बराबर, एस ने तो बराबर टायर बेचे, लेकिन उसके बाद में सोल्ड 10 टू डी सब डीलर, उसके बाद में तीसरे किसी को बेचा गया। अब जो सब डीलर है ना, वो सब डीलर किसी को क्या करता है, कम प्राइस के ऊपर बेच रहा है जो लिस्टेड प्राइस है उससे। तो ये सब डीलर के ऊपर डनलॉप या तो एस एस कर सकता है, लेकिन डनलॉप नहीं कर सकता क्योंकि डनलॉप है ने पार्टी नहीं एस और डी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। राइट, तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट खारिज यानी वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट खारिज नहीं सॉरी केस खारिज हो जाता है। यानी आप डनलॉप टायर एस के ऊपर केस कर सकता है, पर यहाँ पे जो गलत किया वो किसने किया, डी ने किया, तो डी तो पार्टी नहीं है उन दोनों के बीच के अंदर। इसलिए अब कुछ में इसमें एक्सेप्शन भी है, थर्ड पार्टी है ना केस कर सकती है अगर ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहली बात, अब ट्रस्ट और चार्ज, ट्रस्ट में भी प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट विच में बी क्रिएटेड बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट विद अ पर्सन टू हुम द प्रॉपर्टी इज गिवन, सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज ट्रस्टी और मैनेजर। ट्रस्टीज आर नॉट द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, द ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ सम पर्सन जिसको अपने बेनिफिशियरी बोलते हैं। इन केस ऑफ अ ट्रस्ट एनी पर्सन कैन स्यू टू एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा केस कर सकता है आपके ऊपर, यानी समझे, एग्रीज टू ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टीज टू बी हेल्ड बाय बी इन ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ एम। तो एम यहाँ पे अभी मैंने बोला हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने मारियन कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सकीना का नाम बेनिफिशियरी की तरीके से, तो अगर उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए उस तक नहीं पहुंचता तो वो हम दोनों के ऊपर केस कर सकते, जबकि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हम दो थे। बराबर, अब मैरिज सेटलमेंट पार्टीशन और द फैमिली एग्रीमेंट, ये गजब चीज है। वीरम्मा वर्सेस अप्पैया का केस, वो तो बाद में करेंगे, पहले देखो जब एग्रीमेंट किसी मैरिज के अंदर किया जाता हो, पार्टीशन के अंदर किया जाता हो, फैमिली अरेंजमेंट के अंदर किया जाता हो, एंड अ प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन ही मे स्यू ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। इन केस ऑफ मैरिज सेटलमेंट और एनी एग्रीमेंट मेड बाय पेरेंट्स फॉर द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम यानी कौन, दुल्हा, अच्छा कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। अपने इसको खाली ग्रूम बोलते, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ द सन एंड द डॉटर एग्री टू पे 500 एवरी मंथ टू द डॉटर टिल लाइफ आफ्टर मैरिज। फादर ऑफ द सन एंड डॉटर एग्री, एक बेटा और बाप, बराबर, यहाँ पे बेटी को हमेशा के लिए पैसा मिलता रहेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शादी के बाद भी मिलता रहेगा। तो अब बेटी तो शादी करके चली गई तो वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है। बराबर, इन केस ऑफ पार्टीशन, बंटवारा होता है ना, तो देखो दो बेटों के बीच में बंटवारा हुआ, अब दोनों बेटों ने बोला कि 6 महीने फादर को मैं रखूंगा, 6 महीने तू रखना, बाप का भी बंटवारा हो गया इन शॉर्ट। बराबर ना, अब बेटे अगर बाप को नहीं रखते ना तो बाप दोनों बेटों के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी तो कौन है, दो सन है ना एक दूसरे के अंदर। और अगर ये नहीं मानते तो ये स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी फादर की तरफ से जो केस किया जाए वो केस को अदालत मान्य रखेगी। ओके, फिर इसमें वीरम्मा वर्सेस अप्पैया का केस था। अब एक्नोलेजमेंट और एस्टोपल, अगर समझो दो जन पांच लोग पार्टनर्स है, दुकान पे नहीं है, उसका नौकर दुकान पे, उसने कोई डील की,
किसी कस्टमर के साथ में, तो पार्टनर ऐसा नहीं बोल सके मैं थोड़ा था, मेरे नौकर ने बोला ये तो मैं हूं तो मेरे पे केस कर, गलत, क्योंकि उसको बिठा के गए, इसका मतलब क्या वो स्टॉपल हो गया, मतलब उसकी तरफ से वही काम हो सकते हैं जो तुम्हारी तरफ से भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा रिकवर किया जा सकता है लॉस जो भी हो। फिर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स आर असाइन का मतलब क्या होता है, गिवन किसको दिया गया इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल, जहाँ पे पर्सनल स्किल नहीं हो। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने किसी को अगर अरिजीत सिंह बोले कि कॉन्ट्रैक्ट करे कि मैं गाऊंगा आके, तो वो किसी दूसरे को नहीं बोल सकता कि तू आके गा ले, बराबर नहीं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि कुछ दूसरा भी उसको परफॉर्म कर सकता है, जैसे बाप मर जाए तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, तो ये असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया, राइट। फिर यह लिखा है देखो, असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ओरिजिनल ही वाज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक समझाता हूँ इसमें। इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली है, मेरे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने किसी के पास पॉलिसी गिरवी रखी और उसके सामने मैंने पैसे लिए, बराबर, तो मैं उसका नाम असाइनी की तरह से रखूंगा उसका। अब अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना इस पॉलिसी को लेके, अगर मैं समझो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, उसके बाद मैंने क्या किया वहां से पैसे उठाना शुरू किए इंश्योरेंस के, तो वो बोल सकता है। इसीलिए एग्जैक्टली है ना बैंक का नाम अंदर लाया जाता है जब तुम बैंक से लोन लेते हो, पर यहाँ तो बैंक तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे ऐसा ही नहीं है ना, पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन थ्रू बाय एजेंट, कोई भी तुम्हारा एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे अभी समझो कोई स्कूटर खरीदते हो, तो स्कूटर की सर्विस कौन देती है, कंपनी देती है, वो मालिक नहीं जो जहाँ से तुम्हें स्कूटर खरीदा, कंपनी उस सर्विस के लिए उनको पैसे देती है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ते कि आगे सर्विस करा जाओ, तो तुम्हारा जो पेपर फटेगा ना सर्विस का, तो उसको क्लेम करेंगे वो लोग वहां पे, और हर सर्विस के पैसे उसको मिलते हैं जो सर्विस करता है वो। तो ये सर्विस करने का काम किसका है, कंपनी का। गाड़ी बेचने का काम किसका है, वो डीलर का, बराबर। जो डीलर के पास से तुमने गाड़ी ली, तो तुमने सर्विस की बुक जो ली ना वो डीलर के पास से ली है, पर वो एजेंट है, पर तुम तो कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, समझे, इसलिए तुम कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो, बात ऐसे ही। फिर कोवेनेंट रनिंग, कोवेनेंट का मतलब क्या, बोझ बोला जाता है उसको, रनिंग विद द लैंड, एक एग्जाम्पल, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें परचेजर ऑफ लैंड विद नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन कंडीशंस और कोवेनेंट्स क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट अफेक्टिंग द लैंड शैल बी बाउंड बाय देम ऑल्दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू द मैक्सिमम ओरिजिनल एग्रीमेंट विद कंटेंट विच कंटेन द कंडीशंस ऑफ कोवेनेंट। तुल्क वर्सेस मैक्से का केस था, इसका मतलब समझाता हूँ। मैंने जमीन खरीदी, अब जमीन के साथ में जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं वो सब भी अब मेरे नाम हो जाते हैं, क्योंकि अभी क्या कहते पता है ये लोग क्या करते हैं, टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसलिए पेपर में आता है कि हमारा असील है, हमारे पास है टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट मांगे लो, चाहे 7 दिवस में वांदा अर्जी करवी, 7 दिन के अंदर तुम कुछ नहीं बोलते ना, तो इसके बाद में वो जमीन उसके नाम पे लीगली ट्रांसफर हो जाएगी। पर अगर जमीन का कोई जूना बाकी निकला, बराबर ना, तो उस वक्त तो वो था नहीं नया मालिक, वो तो थर्ड पार्टी था, लेकिन फिर भी उसको भरना पड़ा ऐसा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट की लीगालिटी यानी लॉफुल या तो अनलॉफुल है वो, ये टॉपिक नंबर 6 है, पेज नंबर 42। दो टॉपिक जो है ना वो इजी वाले में पहले कंप्लीट कराऊंगा, राइट। ये अनलॉफुल या तो इलीगल एग्रीमेंट कब, डिफरेंस उसका करना ही है अपने को। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्टीज मस्ट हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट तो एग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल या तो वॉइड है, यानी तुम कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो या तो एग्रीमेंट करते हो तो वो अनलॉफुल है, या तो वॉइड। वॉइड का मतलब क्या, खारिज, इन अदर वर्ड्स इट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरुआत से गलत, उसको वॉइड एब इनिशियो बोला जाता है। एंड डेस्टिट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट, डेस्टिट्यूट मतलब उससे परे है, उससे दूर है, बराबर नहीं, लीगल इफेक्ट उसकी कोई नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 द ऑब्जेक्ट ऑफ एन और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज नॉट लॉफुल इन सर्टेन केसेस, द वर्ड ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर नॉट यूज सिनोनिमसली, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों अलग अलग चीज है,
दोनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पस या डिजाइन, जबकि कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न होता है। इन सम केसेस कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में भी लॉफुल, लेकिन जो पर्पस है ना जिसके लिए तुमने एग्रीमेंट बनाया है वो शायद अनलॉफुल हो सकता है। पर कंसिडरेशन बराबर है वो लॉफुल हो सकता है, लेकिन मकसद गलत हो ये भी हो सकता है, राइट। बट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दोनों यानी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, नहीं तो ये एग्रीमेंट तुम्हारा वॉइड हो गया। इन अदर वर्ड्स द लॉ नेवर परमिट्स इलीगल एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन। इलीगल एग्रीमेंट्स आर दोस फॉर विच द पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द लॉज, यानी जो भी कानून के अंदर तुमको पनिशमेंट मिले ना वो सब पहले से डिसाइड किया गया है कि तुमको कौन सी पनिशमेंट कौन से पीनल कोड के अंदर मिलेगी वो। नाउ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे बताया गया है कि कंसिडरेशन और पूरी बात है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इफ द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू डू एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ द एग्रीमेंट इज वॉइड। एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ व्हेन इट इज पनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री और इट इज प्रोहिबिटेड बाय द स्पेशल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में क्या आता है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी ऐसे कोर्ट जैसी, पर कोर्ट नहीं, जैसे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल होता है। इसी तरह से ना सेबी, उसके जितने भी केसेस हैं ना वो सब भी एक ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल कोर्ट जैसा है, लेकिन सारे केस वो हैंडल नहीं करेगा, वो सिर्फ कंपनी के केस हैंडल करेगा। तो इसीलिए इसको यहाँ बोला गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ए प्रॉमिस इज टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रॉमिस इज टू पे ₹1,000 टू ए, मतलब मैं रिश्वत दे के नौकरी पाना चाहता हूँ, तो ये अपने लिए क्या हो गया? फॉरबिडन बाय लॉ हो गया। इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। इफ द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच दैट दो नॉट डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ द एग्रीमेंट इज वॉइड। जैसे ए का स्टेट है वो अपने रेवेन्यू तुम्हारा बाकी है, सुनो रेवेन्यू यानी तुम्हारी कोई चीज भरने की बाकी है उसके लिए ऑफ एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बाय विच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेसिंग द एस्टेट। यानी किसी को तुम किसी चीज खरीदने के लिए मना करते हो, इसलिए मना करते हो क्योंकि इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई पैसा बाकी है। अब बी अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग विद ए बिकम्स द परचेजर एंड एग्रीज टू कन्वे द एस्टेट टू ए अपॉन रिसीविंग फ्रॉम इज द प्राइस विच बी हैज पेड। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी परचेज ऑफ एस्टेट बाय डिफॉल्टर। डिफॉल्टर का मतलब कौन? के जो इंसान है कोई पेमेंट गवर्नमेंट का नहीं देता तो उसको गवर्नमेंट डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिए, या कोई ऐसा इंसान जिसने लोगों के पैसे खा के रखे हुए हैं ऐसे इंसान को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर। तो अब यहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं है, फिर भी अगर उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट एन एग्रीमेंट विच इज मेड फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, यानी तुमने धोखा देने के लिए जिसको बनाया है इज वाइट। डज एन एग्रीमेंट इन फ्रॉड ऑफ क्रेडिटर्स विद अ व्यू टू डिफीट डिफीटिंग देयर राइट्स इज वाइट। मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि चल अपने एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद में हम क्रेडिटर्स को चीट करेंगे, उनको पैसे ना देने पड़े इससे। यहाँ लिखा है कि ए बी सी एंटर इन टू एन एग्रीमेंट फॉर द डिविजन ऑफ गेन्स अमंग देम विच इज अक्वायर्ड और टू बी अक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड, तो ये अनलॉफुल है। यानी मैं ऐसा तीन मैं किसी को चीट करूं उससे जो पैसा मिलेगा तीन लोग के बीच में बांट लेंगे, ऐसा आपने एग्रीमेंट कर दिया, एग्रीमेंट गलत है क्योंकि इसको चीट करना तुम्हारे लिए गलत है। इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी को रॉन्ग, रॉन्ग को टोर्ट बोला जाता है, TORT, टोर्ट यानी सिविल रॉन्ग डूइंग बोलते हैं उसको। इंजरी मीन्स रॉन्ग हार्म और डैमेज, पर्सन मीन्स वंस बॉडी एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी फॉर एग्जाम्पल द प्रोपराइटर्स ऑफ अ न्यूज पेपर एग्रीड विद द प्रिंटर्स टू इंडेमनिफाई द लेटर, यानी प्रिंटर को बोला गया कि लिबेल्स, लिबेल्स का मतलब क्या पता है? किसी को गालियाँ देना, किसी को गालियाँ देना उसको लिबेल बोला जाता है। डिफेमेटरी सेंटेंस लिखा है ना, उसको गालियाँ देने से लिबेल बोला जाता है। प्रिंटर इन अ न्यूज पेपर द एग्रीमेंट इज वॉइड।
इन केस ऑफ घेरूलाल परख वर्सेस महादेव दास 1959, इट वाज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू कॉज इंजरी द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर इट इज अनलॉफुल. एन एग्रीमेंट बिटवीन सम पर्सन्स टू परचेज शेयर्स इन अ कंपनी एंड दस बाय फ्रॉड टू इंड्यूस अदर पर्सन्स टू बिलीव कॉन्ट्ररी टू दैट फैक्ट दैट देयर इज बोनाफाइड मार्केट फॉर शेयर्स इज वॉइड. यानी तुमने यानी मैं किसी को शेयर है नहीं, मैं तो किसी कंपनी के खरीदता हूँ, लेकिन मैं शेयर है नहीं, जानबूझ के कुछ फ्रॉड करके खरीदता हूँ, लेकिन मैं लोगों को ऐसा जता रहा हूँ कि मैंने शेयर है नहीं लीगल तरीके से खरीदे, तो ये भी गलत है. इफ द कोर्ट रिकॉर्ड्स इट एज इमोरल, इमोरल यानी अनलॉफुल, और इमोरल यानी जो समाज की नजर में ना गलत है वो. फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉर फ्यूचर सेपरेशन इज अनलॉफुल. हम ऐसे शादी करने के टाइम पे हस्बैंड वाइफ एग्रीमेंट करते हैं 5 साल के बाद में अपने डिवोर्स दे देंगे, बराबर. मैं तुमको कुछ ना दूं, तुम मेरे पास से कुछ मांगो ना, ऐसा सब ये सब वो गलत. ये एग्रीमेंट कर नहीं सके, इमोरल है. मतलब जो संस्कार दिए गए हिंदू रिलीजन मुस्लिम के अंदर या क्रिश्चियन के अंदर, इसमें कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं. एक ऐसा मूवी भी आई थी गाने जैसी, एक साल तक अपने एक दूसरे के साथ में रहेंगे, उसके बाद में अगर सही रहेगा तो हम शादी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम शादी को कंटिन्यू नहीं करेंगे. ये पूरी तरह से लीगल है क्योंकि ये इमोरल है, राइट. वेयर द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी व्हेन इट इज हार्मफुल टू द पब्लिक वेलफेयर. दिस लॉ होल्ड्स दैट नो सब्जेक्ट और पर्सन कैन लॉफुली कैन नो लॉफुली डू दैट विच हैज मिस्चीवियस टेंडेंसी टू बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और विच इज अगेंस्ट द पब्लिक गुड्स और पब्लिक वेलफेयर. जैसे यहाँ पे है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव अ प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट. पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब नहीं होता, लेकिन अगर अपने किसी जो नॉर्मल अपने बात करें ना, कि जिसको तुम्हारा समाज गलत मानता हो, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, बराबर ना. जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि एग्रीमेंट ऑफ मैरिज बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर इज वॉइड, भाई बहन के बीच में शादी, ये वॉइड है क्योंकि ये कौन सा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हुआ ना. एंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सम ऑफ द एग्रीमेंट्स विच आर और विच हैव बीन हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर अनलॉफुल एंड देयर बाय डिक्लेयर्ड वॉइड. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट्स. तो देखो यहाँ पे लिखा गया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मैं किसी को रोकता हूँ कि तू मेरे पे केस ना कर, ऐसा एग्रीमेंट गलत है. आगे हमने देखा था, क्या देखा था उसके अंदर हमने, कि अगर किसी इंसान को ना काम एब्स्टिनेंस जिसको बोलते हैं, काम ना करना, उसके लिए पैसे दे तो चलता है, पर केस करने से नहीं रोक सकते. हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 लाख मांगता है, 3 लाख ले ले, अपने केस नहीं करना, तो ये सेटलमेंट हुआ, ये कर सकते हो तुम. लेकिन मैं किसी को ऐसा बोलूं कि तू नहीं कोर्ट में मत जाना, खून हुआ है इसका और खून के लिए तू कोर्ट में मत जाना, ये नहीं कर सकते तुम. सेटलमेंट कर सकते हो तुम कोर्ट के बाहर का, लेकिन ये वाला एग्रीमेंट नहीं कर सकते. और यहाँ पे लिखा कि इफ एनी पार्टी पुट्स अ कंडीशन इन द एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेंस द पार्टीज होल्डिंग और पार्टी टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ देन द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. यहाँ एक केस था ऐसा, ऐसा लिखा गया कि क्रॉसवर्क कॉम्पिटिशन के अंदर एडिटर का डिसीजन फाइनल और लीगली बाइंडिंग है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, इससे ने कोर्ट में जाने का कानून की कोई भी मदद लेने का तुम्हारा जो हक है ना, वो तुमसे छीन लिया गया है. यानी ऐसा बोला जाए कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर कंपटीशन चल रही है, उस कंपटीशन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वो लोग डिसाइड करेंगे, तो ये गलत है. और अगर कोई कोर्ट में गया तो वो हम मान्य नहीं रखेंगे, ये गलत है, ये भी गलत है. कानूनी कार्यवाही की जा सकती है. एन एग्रीमेंट कर्टेलिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, हाँ लिमिटेशन का पीरियड कितना है, 3 साल का. और कोई ऐसा बोले कि अगर 2 साल तक मैं पैसे ना मांगू ना तुमसे, तो समझ लेना कि मैं पैसे भूल गया, तो ये गलत. टाइम पीरियड 3 साल का 3 साल रहना चाहिए, ये कभी भी कोई भी कंडीशन के अंदर कर्टेल नहीं किया जा सकता, राइट ने. 3 साल की जगह पे अगर ऐसा लिखा हो 3 महीने, तो ये लिमिटेशन कम किया गया. और दूसरी बात, एक दूसरा लिखा है, इन क्रॉसवर्क कॉम्पिटिशन द कंपनी डिक्लेयर्स दैट
it will not be liable to pay any claim after the expiry of 3 months from the publication of price list. ये गलत है, क्योंकि लिमिटेशन का पीरियड हमेशा 3 साल का रहा है, और ये 3 साल तक अगर क्लेम ना करो ने तो प्राइस चली गई, पर 3 साल के अंदर तुम कभी भी क्लेम करो, फिर कंपनी ने चाहे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क पड़ता नहीं है. फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रीच नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू और मोर कोर्ट्स में हैव जुरिस्डिक्शन फॉर फाइलिंग अ लीगल प्रोसीडिंग इफ देयर इज एन एग्रीमेंट वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ट्राइज टू एक्सक्लूड और ओमिट जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट देन ऑल्सो द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. इसीलिए ये लोग लिखते हैं बिल के अंदर सब्जेक्ट टू वडोदरा जुरिस्डिक्शन ओनली, तुम कोर्ट का दायरा बता सकते हो लेकिन किसी के दायरे को कम नहीं कर सकते, बराबर ना. बिल के नीचे लिखा जाएगा वडोदरा का बिल होगा ना, तो सब्जेक्ट टू वडोदरा जुरिस्डिक्शन ओनली, मतलब इसके कानूनी दायरे में आना, जुरिस्डिक्शन का मतलब. अब एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को काम करने से रोकना, ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड यानी रोकना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिटीजन को फंडामेंटल राइट मिला है, और ये राइट में ये राइट भी है कि नेचुरल राइट कोई भी गवर्नमेंट कोई भी तरह की उसे छीन नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू डू अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, राइट टू एजुकेशन, रिलीजियन एंड वोट. दस द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मेरे ख्याल से 1900 के बाद, 1900 के बाद ब्रिटेन के अंदर फीमेल्स को वोट देने का अधिकार दिया गया, उससे पहले फीमेल्स वोट नहीं दे पाती, और 18 साल की जो एज है ना वो इंग्लिश लॉ के अंदर है, उसको इंग्लिश लॉ के अंदर से अपने यहाँ पे उठाया. और याद रखो इंग्लिश लॉ को जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे मेरे दिमाग में बाकी तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर दोनों जगह पे, लोअर हाउस अपर हाउस दोनों के अंदर ही रखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बराबर लिखा हुआ है. पार्लियामेंट और जो इसराइल है ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, जबानी याद है सबको ऐसा, ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट है, उसका खाली प्रियम्बल है जो प्रिंटेड है, जिन्हें अमुक के भाई शुरुआत में भेजो ना थे बता भारतीय हमारा भाई बहन छे ये वाली. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 एवरी एग्रीमेंट बाई विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी किसी को भी अगर बोला जाए कि पैसे दे के कि तुम मेरे सामने ये बिजनेस ना चालू करो तो ये गलत है. दिस मीन्स दैट एवरी वन इज अ राइट टू कैरी ऑन लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस, पर इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किसका है बताए, तुम पार्टनरशिप में से अलग हुए तो पार्टनरशिप जो बिजनेस कर सकती है ना उस बिजनेस को कुछ सालों तक तुमको ना करने की तुमको रोक लगा दी जा सकती है, एक एक्सेप्शन हो गया बराबर ना, ऐसा आएगा आगे देखो. सो एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेंस और इंटरफियर्स विद द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन टू एंगेज हिमसेल्फ इन अ लॉफुल ट्रेड ऑक्यूपेशन और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज अनलॉफुल, सो सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. सपोज एक्स द ओनर ऑफ होटल कल्याण, वो मिस्टर वाई को बोलता है कि मैं 50 रुपये दूंगा, तू सयाजीगंज एरिया के अंदर मेरे जैसी होटल मत खोलना, ये गलत है, ये नहीं कर सकते तुम, ये तो 50 हजार भी ले लेगा और होटल भी खोलेगा. मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्कूल इन सयाजीगंज एरिया एट द ग्राउंड फ्लोर, मिस्टर बी डिजायर्स टू ओपन अ न्यू स्कूल इन द सेम बिल्डिंग एट द फर्स्ट फ्लोर, मिस्टर ए ऑफर टू बीज 2 लैक्स टू मिस्टर बी फॉर नॉट ओपनिंग अ स्कूल न्यू स्कूल, तो ये भी वही है. हाउएवर इन सर्टेन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट जो मैं बता रहा था ना कि जिसके अंदर ये रीजनेबल है रिस्ट्रिक्शन रखना हमारे लिए, हम उसको रोक सकते हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस, अगर मैं मेरे बिजनेस को तुमको बेच देता हूँ बराबर, मैंने सारी गुडविल के साथ में उस बिजनेस को तुमको बेच दिया, तो मैं सिमिलर तरह का बिजनेस कुछ लोकल लिमिट के अंदर, और जब तक वो सामने वाला अपने बिजनेस को सेटअप नहीं कर लेता बराबर से, अपने नाम से पॉपुलर नहीं हो जाता, तब तक मुझे करने से रोकेगा, क्योंकि मैं सेम बिजनेस के अंदर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जो बिजनेस मैंने ऑलरेडी बेच दिया उसके अंदर मैं नहीं जा सकता. जैसे फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट बिजनेस, फ्लिपकार्ट के बंसल, उन दोनों ने पार्टनर ने फ्लिपकार्ट को बेच दिया, अब उन्होंने फ्लिपकार्ट नहीं चालू किया, सेम टू सेम फ्लिपकार्ट नहीं, उसने लेंसकार्ट चालू किया, लेंस कार्ड, लेकिन उसकी प्रोडक्ट क्या है, खाली लेंस यानी चश्मा बेचना. दिस रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट्स कैन बी इम्पोज ओनली इफ द कोर्ट रिगार्ड देम एज रीजनेबल, पर याद रखो ये रीजनेबल हो तो ही, बाकी तो ये वॉइड है.
रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अगर मैं तुमको बिजनेस बेच रहा हूँ बराबर, और मैं लंदन में सेम बिजनेस चालू कर रहा हूँ, तो तुमको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे लंदन में जाने से रोक नहीं सकते, वहाँ बिजनेस चालू करने से रोक नहीं सकते। इसी तरह से मेरा बिजनेस खाली बड़ौडा का दे, और मैं समझो कि नासिक में जाके सेम बिजनेस चालू करता हूँ तुमको बेचने के बाद में, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरा रिस्ट्रिक्शन क्या था, बड़ौडा में नहीं खोलने का, तो बड़ौडा में नहीं खोला, लेकिन नासिक में मैं खोल सकता हूँ ऐसा। इसी तरह से पार्टनर का एग्रीमेंट है, एक्टिव पार्टनर है ना, वो सेम ऐसे बिजनेस के अंदर दूसरे बिजनेस के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। मेरा जो बिजनेस है मैं उसमें एक्टिव पार्टनर हूँ, अब मैं वही ऐसा ही सेम बिजनेस दूसरी जगह पे चालू नहीं कर सकता, बराबर ना। फिर उसी तरह से आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर छुट्टा हो रहा है, रिटायर हो रहा है, वो रिटायरिंग पार्टनर को अपने रोक सकते हैं कि तुम सेम बिजनेस के अंदर दूसरी जगह पे पार्टनरशिप नहीं कर सकते, या किसी कंपनी के साथ, या तो किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ इस तरह से ज्वाइन नहीं हो सकते, या आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर अपने रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पर इसमें लिमिट होती है, याद रखो। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में या तो पूरे इंडिया में नहीं कर सकते। तुम्हारा बिजनेस अगर पूरे इंडिया में फैला हुआ है तो तुम उसको रोकोगे, पूरे इंडिया में नहीं करेगा वो, लेकिन अगर तुम्हारा गुजरात के अंदर बिजनेस है, तो महाराष्ट्र में वो बिजनेस कर, तुम उसको रोक नहीं सकते। इसलिए बोला जाता है कि कोर्ट से परमिशन इसके लिए नहीं जरूरी, इसलिए इसके लिए डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं। फिर पार्टनर बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एट द टाइम देखो डिसोल्यूशन हुआ नहीं है, बहुत धुली आ गई, एट द टाइम और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑल और सम ऑफ द पार्टनर्स मेक एन एग्रीमेंट दैट दे विल नॉट कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद अ स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। डिसोल्यूशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हम डिसोल्यूशन के बाद ये सेम बिजनेस नहीं करेंगे। इसी तरह से डिसोल्यूशन के बाद भी अगर सेम तरह का फर्म का नाम यूज करोगे तो बिजनेस करने से रोकेंगे, क्योंकि फायदा एक को क्यों मिले, बिजनेस तो 10 लोग 10 पार्टनर का बन हुआ है, 10 और 10 को फायदा मिलना चाहिए, तो सेम नाम से आप बिजनेस नहीं चालू कर सकते, और सेम तरह के उसी तरह की फर्म के अंदर अपने बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, और सॉलिसिट कस्टम ऑफ पर्सन हुआ डीलिंग विद द फर्म बिफोर इट्स रिजोल्यूशन, यानी हम उनसे हेल्प नहीं ले, सॉलिसिट यानी हेल्प लेना, उन सब से हेल्प नहीं ले सकते, उन सब से सलाह नहीं ले सकते कि जो लोग हमारे बिजनेस के साथ में पहले जुड़े हुए हैं। फिर एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ अ फर्म विद इन स्पेसिफिक पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफिक लोकल लिमिट। कोई भी पार्टनर, चालू पार्टनर भी, कंटिन्यूइंग बिजनेस का पार्टनर भी इस तरह से नहीं कर सकता, बराबर। लेकिन याद रखना ये सब रिस्ट्रिक्शन तभी हो सकते हैं जब ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल हो, अगर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं हो तो इसको इम्पोज नहीं किया जा सकता। अब आता है ट्रेड कॉम्बिनेशंस, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स डीलिंग इन सम टाइप सेम टाइप ऑफ बिजनेस मे फॉर्म एन एसोसिएशन एंड मे म्यूचुअली एग्री टू फिक्स सर्टेन रूल्स रेगुलेशन एंड प्राइसेस, सच एग्रीमेंट्स आर मेड टू अवॉइड हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देमसेल्फ। दीज रेगुलेशंस मे बी रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ बिजनेस, यानी कब बिजनेस खुलेगा बंद होगा इसके बारे में, उसके बाद में सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डीलर्स लाइसेंस के बारे में, ये सारे एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स एसोसिएशन, आइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ये मिनिमम प्राइस फिक्स कर सकती है, बराबर। ये जेरोक्स की दुकान वाले नहीं बोलते 2 रुपए के नीचे का वो मारते बैनर, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उसको माने के ना माने, वो अगर मेरे को 5 पैसे में भी जेरोक्स करने के लिए दे रहा है तो मतलब वो मानता नहीं, बराबर नहीं। लेकिन अगर 2 रुपए की प्राइस सबने फिक्स कर दी और बैक टू बैक हो तो 1 रुपया, तो ये सबके लिए फिक्स हो गई। बट अ कॉम्बिनेशन विच में क्रिएट मोनोपोली एंड विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट इज वॉइड। याद रखो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा करो, जैसे कार्टेल बनाना इंडिया में वॉइड है, अगर कार्टेल बना दे हो तो गवर्नमेंट आपको आपके सारे लाइसेंस कैंसिल करेगी और सारे प्रमोटर्स को जेल में डाल देगी, ये वॉइड है इंडिया में, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन तुम नहीं बना सकते। अब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज आर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, द एम्प्लॉयर मे पुट कंडीशन वाइल गिविंग द एम्प्लॉयमेंट समटाइम्स फुल टाइम एम्प्लॉय। देखो ये भी बोल सकते, तुम एक जगह काम करते हो तुमको रोका जाएगा दूसरी जगह काम ना करो, बताओ मैं तुमको, मैं अगर समझो लॉयर हूँ मेरे पास सनद है, तो मैं अगर कोई जगह पे जॉब्स के ज्वाइन होता हूँ ना, तो मुझे सनद जमा करवा देनी पड़ती है तुरंत, वो सनद का जमा करा देने की, स्कूल अगर स्कूल में जॉब करने जाते हो स्कूल में जमा करा देने की सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट। मैं लॉयर हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकूंगा जब तक मैं स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये स्कूल वाले ऐसा करेंगे, समझे ना, ये कर सकते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। व्हेन एन एम्प्लॉई इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग एनी अदर जॉब और एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज वैलिड।
तुम एक जगह पे काम करो तो एक जगह ध्यान रहेगा, तुम अगर 10 जगह काम करोगे तो कैसे पॉसिबल होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर रिस्ट्रेंट टू डू एनी अदर जॉब और बिजनेस, बट व्हेन एन एग्रीमेंट प्रिवेंट्स द एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी अदर एंगेजमेंट इवन आफ्टर इज रिटायरमेंट देन इट इज वॉइड। तुम्हारे रिटायरमेंट होने के बाद तुम अगर वापिस ये काम करने जाते हो ने दूसरा कोई काम, तो उसके लिए रोक नहीं सकते। एक बार तुमने रिजाइन दे दिया ने, उसके बाद में तुम कोई भी काम करो कोई रोका नहीं जा सकता। फिर आता है उसके बाद में सोल सेलिंग एजेंट। एनी सोल सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी में एग्री दैट ही विल नॉट सेल द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर कंपनी, इन सच केसेस द एग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड। सोल सेलिंग एजेंट का मतलब सिर्फ अकेले एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाला एजेंट। उसके लिए ये क्या है, उसके लिए एक अद प्रोडक्ट बेचना है, कोई अगर दूसरी प्रोडक्ट भी बेचेगा तो वो इसके लिए वॉइड है। ये किसका था, कार्लाइल नेव्यू एंड कंपनी वर्सेस आर बैक्टरमुल, 1882 का केस है, सोच लो 150 साल पुराना। नाउ एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी वॉइड एग्रीमेंट किसको बोला जाता है वो करना है। नेक्स्ट टॉपिक 7, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी वॉइड एग्रीमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में जाता है ये। द टर्म पब्लिक पॉलिसी इज अनसर्टेन और फ्लक्चुएटिंग, यानी बदलाती रहती है। एक जमाने में ये LGBTQN है वो इलीगल माना जाता था, अब ये लीगल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। नाउ व्हाट आर द एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी देखना। इन जनरल पब्लिक पॉलिसी मीन्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। इफ एन एग्रीमेंट इज हार्मफुल द पब्लिक वेलफेयर इट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इट स्टेट्स दैट नो सब्जेक्ट इज अलाउड टू डू समथिंग विच इज इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और विच इज अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर, यानी जो समाज व्यवस्था है ना उसके खिलाफ में जाए ना उसको रोका जाएगा। वो कौन रोकेगा, सरकार। द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक तो एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी कौन, दुश्मन, यानी कौन दुश्मन, जिसके साथ तुम्हारे इंडिया की, अपने इंडिया की यानी मतलब वॉर डिक्लेयर हो गई है, युद्ध जाहिर हो चुका है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है ना, तो यूक्रेन और रशिया के बीच के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड या तो डिसॉल्व, सस्पेंडेड यानी मतलब अभी रोक दो, डिसॉल्व का मतलब खत्म ज कर दो। एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मैं बोलू सामने वाले का खून कर दे 5 लाख देता हूँ ये क्राइम के लिए, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल है। अब एग्रीमेंट विच इंटरफियर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कानून को पालने के लिए रोक लगाने वाले सारे एग्रीमेंट इलीगल है। एग्रीमेंट इंटरफियरिंग विद कोर्स ऑफ जस्टिस, एन एग्रीमेंट विच इंटरफियर्स विद द कोर्स ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो अनलॉफुल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। दस फॉर यूजिंग एनी टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस विद जजिस और ऑफिस इज अनलॉफुल, यानी किसी जज को रिश्वत देने की बात करो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आ गया। राइट, फिर स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन यानी कोई अदालत की कार्यवाही को रोकने की बात करें, बराबर ने, इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट इफ अ पर्सन हैज कमिटेड क्राइम ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। एन एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मीन्स एन एग्रीमेंट नॉट टू प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर, यानी मैं किसी को ऐसा बोलूं कि उसने चोरी की है, जब मैं तेरे पे केस नहीं करता तो मेरे 1 लाख रुपए दे दे, यानी केस करने से, ये केस कैसा है, इसको रोकना नहीं है, खून वाला खून करके चला जाए, खून करके चला, खून ही चला गया, उसके बाद में अपने उससे साथ में बोले कि 5 लाख रुपए दे मैं तेरे पे केस नहीं दाखिल करूंगा, मैं तो तुम्हारा आई विटनेस हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दे, यह गलत है, बराबर ना। फिर एग्रीमेंट इन नेचर ऑफ मेंटेनेंस इन चम पार्टी, मेंटेनेंस यानी एक पार्टी विदाउट एनी इंटरेस्ट इन सूट एग्रीज टू आसिस अनदर टू मेंटेन अ सूट। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्रोमिस टू पे वाई 5,000, अगर वाई जेड के ऊपर केस करेगा, दो जन एग्रीमेंट करते कि इसको फंसा दे अपने, मैं तेरे को 5,000 दे रहा उसको फंसा, तो ये मेंटेनेंस हुआ। और चम पार्टी का मतलब एक पार्टी एग्री होती है टू आसिस अनदर इन रिकवरिंग प्रॉपर्टी एंड इन टर्न
ही इज टू शेयर द प्रोसीज ऑफ द एक्शन, मतलब क्या वसूली, सिंपल लैंग्वेज में वसूली बोलते हैं उसको। मेरे ने किसी के पास से 10 लाख रुपए लेने के बाकी, मैं किसी को बोलता हूँ कि आधे आधे बांटने की, वो तो देता नहीं, तो उसको मार पीट के निकलवा के ला, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, बराबर ना। ये नुथानी वेंकटेश स्वामी वर्सेस कट्टा, बोलो ऐसे भी केस होते हैं। अब पोजिशन इन इंग्लैंड, एग्रीमेंट है ना इंग्लैंड के अंदर सब जगह पे इलीगल और वॉइड है। पोजिशन इन इंडिया, ये इलीगल नहीं है ऊपर के सारे एग्रीमेंट। द कोर्ट विल रिफ्यूज टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट इफ द इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट बोनाफाइड और द टर्म्स और रिवॉर्ड आर अनरीजनेबल इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। बोनाफाइड का मतलब मर्जी से किया जाने वाला। नाउ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेनिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये तो आगे भी आ चुका। मैं किसी को रोकता हूँ कि तू केस मत कर, उसके लिए पैसे देता हूँ, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड है। फिर अब एग्रीमेंट टू वेरी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये आगे आ चुका। लिमिटेशन के पीरियड को कम करना है तो बढ़ाना, दोनों ही वॉइड है, बराबर ना। शॉर्टर या लॉन्गर, ये दोनों नहीं हो सकता। एग्रीमेंट ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस एंड पब्लिक टाइटल्स, मैं बोलता हूँ कि तू 5 करोड़ रुपए दे, मैं तेरे को अशोक चक्र दिलवाता हूँ, बराबर। तू 5 करोड़ रुपए दे, मैं तेरे को वीर चक्र दिलवाता हूँ। तू 5 करोड़ रुपए दे, मैं तेरे को है ना भारत रत्न दिलवाता हूँ। तो ये सब है ना सबके सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये गवर्नमेंट के टाइटल्स है, पब्लिक टाइटल्स है, ये सब के सब टाइटल्स खरीदे जाए, ये गलत है। ऐसे ही सब जगह पे क्या फिल्म फेयर अवार्ड तुझे मिलेगा, किसी एक्टर को मैं वायदा करता हूँ तो 50 करोड़ दे दे, फिल्म फोर्ट फेयर तेरा है, 5 जगह में तेरा नाम है, पर दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ दूसरे तुझे ही मिलेगा, बराबर ना। ये सब जो करे ना वो सबके सब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब एग्रीमेंट टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बस ये हो गया लास्ट पे जो। अब एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज बाउंड टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट हिज पब्लिक और प्रोफेशनल ड्यूटी इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एन एग्रीमेंट बाय न्यूज पेपर प्रोपराइटर, मैं किसी न्यूज पेपर वालों को ऐसा बोलता हूँ कि फलानी खबर मत छाप, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, इसको येलो जर्नलिज्म बोला जाता है। अपनी मर्जी से खबरों को बदल देना, पर ये अगर मैं तुमसे बोलता हूँ तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अनलॉफुल है और अनएनफोर्सिएबल है। फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मैं किसी को पर्सनल लिबर्टी छीनने की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है अ डेटर एग्रीज विद हिज मनी लेंडर दैट ही वुड नॉट विदाउट द लेंडर्स रिटन कंसेंट लीव हिज जॉब और बोरो मनी और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड चेंज हिज रेसिडेंस हेल्ड द एग्रीमेंट वॉज वॉइड एज इट वॉज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी के अपोज में ये क्या, मैं तुमको नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए मना करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, ये गलत है। पैसे मांगना अलग जगह पे आता है और नौकरी करना अलग जगह पे आता है, वो तुम्हारी पब्लिक लिबर्टी के अंदर आता है। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, माँ और बेटे को जुदा किया गया, पैसे देके माँ ने बेटे को बेच दिया, सामने वाले ने उसको खरीद लिया, लेकिन बाद में 10 साल बाद माँ के अंदर ममता जागी और बाप की बापता जागी और दोनों क्लेम करने के बच्चे को तो दे देना पड़े सामने वाले। लेकिन हाँ अगर तुमने उसको गोद दिया हो तो वो बात गलत, एक बार तुमने उसको गोद दे दिया ने तो उसके बाद में सामने वाला उसका क्या लीगल गार्डियन बन जाता है, लीगल पेरेंट बन जाता है, वो बात अलग है। फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि फलानी लड़की से शादी मत कर, 5 लाख देता हूँ, बराबर। पर यहाँ पे पैसे भी ले लेगा ये व्रज और उसके बाद में शादी भी नहीं करेगा, नहीं शादी भी कर लेगा, सॉरी नहीं 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 शादी कर लेगा, तो फिर है मैं उससे पैसे वापस रिटर्न भी नहीं मांग सकता। नहीं ये एवरी इंडिविजुअल का राइट है कि वो शादी करे, सोचो। एंड एग्रीमेंट इंटरफियरिंग स्टेटस, यानी अब ए प्रोमिस इज बाय मैरिड पर्सन टू मैरी ड्यूरिंग इज द लाइफ टाइम और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज स्पाउस, ये गलत है। मैं क्या बोलता हूँ, उसकी बीवी है लेकिन वो है ना दूसरे से वादा कर लेता है, इसके निपटने दे अपने शादी कर लेते हैं, समझे ना, ये गलत। एन एग्रीमेंट टू लेंड मनी टू अ वुमन इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स एंड मैरिंग द लेंडर, ये होता है कभी। ये केस भी है टिकियाट वर्सेस मनोहर, एन एग्रीमेंट दैट द हस्बैंड एंड वाइफ विल ऑलवेज स्टे इन वाइफ्स पेरेंट्स हाउस, देखो घर जमाई बनने, ये भी लीगल नहीं है, बोलो। नाउ एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, मैं अगर 10 लोगों को इकट्ठा करता हूँ, बोलता हूँ कि अपने सबे ने इकट्ठा हो जाए और अपने मोनोपोली क्रिएट कर दे,
तो ये भी तुम्हारे लिए वॉइड है। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी ट्रेड को रोकने का जो एग्रीमेंट होता है वो तो आगे अपने सीख चुके, वो भी अपने लिए क्या हो जाता है वॉइड। तो दो टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट किए, राइट। अब इसका है ने